ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का सभी का मीटिंग में, और जो नए लोग आए हैं उनका भी। पायल जी बताइए क्या क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मॉर्निंग में तो मैं कोकोनट वाटर लेके आती हूँ यहाँ हॉस्पिटल में, फिर यहाँ पर पेशेंट पूरे होने के बाद हम 3 बजे खाना खाने के लिए जाते हैं, तो बीच में भी मुझे भूख लगती है, लेकिन वो यहाँ पर पीटी में होती हूँ तो मैं इग्नोर करती हूँ, तो ऐसा मतलब इससे कोई इश्यू तो नहीं आएगा ना? सोचा केले डाल रहा है तो और खा लिया तो बीच में। अच्छा, और ऐसे फ्रूट्स जो कि खाने में, छीलने में, रखने में आसान हो वो फ्रूट्स रखो, कोई अपने को भूखे तो रहना नहीं है। हाँ, और मॉर्निंग से ज्यादा ये होगा कि आपका कोई दोस्त होगा साथ में, उसको भी पकड़ा देना। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सर, इसलिए फिर तो तरबूज लाके भी खा सकते, कोई भी नहीं खिंचाव होता है। मैं चेयर पे जाऊँ, अगर कोई मिल जाए तो साथ में खाने में बड़ा मजा आता है। फ्रूट तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि हम लेके जा सकते हैं और खा सकते हैं, पर सीजन का तो सिर्फ वाटरमेलन, अब मस्कमेलन भी नहीं मिल रहा। वाटरमेलन है यहाँ, बनाना भी मिल रहा है बहुत, फिर ग्रेप्स और वो दो चार बनाना हो जाएगा काम। ओके सर, और एसी में बैठ सकते हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एसी क्या चीज? एसी एसी कूलर एसी अब तो हॉस्पिटल में चलेगा, रहना है तो फिर। और फिर मॉर्निंग में सर मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ तो कंटिन्यू रख सकती हूँ? हाँ रख सकते हो, यदि आपको एनर्जी फील हो रही है तो रख सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं रखना है, कम एनर्जी है तो बंद कर सकते हो। हाँ वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, आज मेरा day 9 है और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन है, बीच में कभी कभी वीकनेस आ जाती है और पैर में थोड़ी नमनेस जैसा हो जाता है कई बार बस, और हेडेक कभी कभी होता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो पूरे टाइम, यदि आपको कुछ खाने को ना मिले तो पानी जरूर पीते रहो। हाँ, पानी पीने में कोई कमी मत करो। हाँ मैं वही करती हूँ, जब भूख लगती है तो पानी पी लेती हूँ, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो। हाँ पानी जरूर पीते रहो। हाँ बाकी तो बस एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है फ्रूट खाने में। हाँ मजा आना चाहिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। स्वाति जी। हाँ सर, हेलो। हेडेक वीकनेस? हाँ वीकनेस बोल, लेकिन मैंने एक ही दिन फास्ट किया है सर। फिर दूसरे दिन क्या किया? एक यानी कल ही फास्ट स्टार्ट किया है, तो आज ही डिटॉक्स के सिम्टम आए। ठीक है, आप लकी मुझे लगा तो अच्छा है, आने दो। वीकनेस बहुत है, हेडेक है और नमनेस है, ऐसे कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सोने की इच्छा रहती है सिर्फ। सो जाओ तो अच्छा है, सोते समय सबसे ज्यादा हीलिंग होती है। अच्छा, बॉडी को हील। बाकी कुछ ऐड करना है? और आज तो इच्छा ही नहीं हुई फ्रूट्स लेने की। वो भी अच्छा है, फ्रूट लेने की इच्छा नहीं है मतलब बॉडी के पास जो स्टोर्ड रिजर्व्स हैं उनको यूज करना चाहती है, जो कि माल आपने फ्यूचर के लिए जमा किया है उसको जो है कंज्यूम करने का समय आ गया। अच्छा, तो सब अच्छे पॉजिटिव साइन है। उसके लिए कुछ अपने को पॉजिटिव इसलिए नहीं लगते क्योंकि अपनी परवरिश उस तरीके से हुई नहीं। बराबर है, तो वो मैं बोल भी रहा हूँ पॉजिटिव, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या सर क्या बोल रहे हैं, मैं तकलीफ में हूँ, ये पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है, सब चीजें अच्छी हो रही। मुझे एक ही दिन में आए तो थोड़ा सा ये लगा, मुझे ऐसे लगा था 4-5 दिन के बाद वो स्टार्ट होंगे सब। अरे 2-2 महीने नहीं आते, लोग परेशान है कि कब डिटॉक्स आए कब डिटॉक्स आए, किसी को पैदा होते ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, कोई पूरी जिंदगी निकाल देता नहीं, तो वो अब लकी लोग हो आप लोग।
जो है सब कुछ हो रहा है, अच्छा है, बॉडी जैसे भूख नहीं लगेगी और आप तो खाने के लिए तैयार हो। हमने आपको ये तो बोला नहीं है कि खाना नहीं है, लेकिन खाएंगे तभी जब भूख लगेगी। तो भूख यदि लगना बंद हो रही है तो अच्छा साइन है, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तभी तो बॉडी हील होगी, तभी तो पुरानी एनर्जी कंज्यूम होगी जो स्टोर है ना, वजन भी कम होगा फटाफट से। अच्छा, पानी पीते रहना, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। चलेगा। प्राजक्ता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आवाज बंद है आपकी, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही। तो ये डिटॉक्स आपने बोला ईश्वर के दर्शन, तो किन किन लोगों को बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक हो जाते हैं, तो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है कभी, तो उस समय घर वालों ने कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? वी कैन रेगुलेट द डिटॉक्स, हम उसको कम कर सकते हैं। यदि हम सहन नहीं कर पा रहे हैं डिटॉक्स को, तो उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक, यदि एक कप ब्लैक टी पी लें तो वो वहीं के वहीं रुक जाए। यदि आप सहन कर सकते हो तो अच्छा, नहीं कर सकते तो उसको बंद कर सकते हो, लेकिन बंद करने के बाद तब चालू होगा, इसका कोई वो नहीं। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं, फ्रूट खा रहे हैं, डिटॉक्स आ रहा है तो आने दो, और नहीं सहन कर सकते तो उसको रेगुलेट कर लो, रोक लो। किसी को कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है क्या करना। जो जो मेंबर्स डिटॉक्स आने के बाद कोक मील ले लेते हैं, उनका खत्म हो जाता है डिटॉक्स, उनकी पिक्चर खत्म हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, और जो बैठे रहते हैं पूरे पिक्चर को कहते हैं पूरे पैसे दिए पूरी पिक्चर देख के जाएंगे, पूरा मजा लेते हैं। तो बाहर एग्जिट करने का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, आपने खुद से सब चीजें तैयार की है, एग्जिट करने का ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं आप किसी बीमारी से नहीं जूझ रहे, आप डिटॉक्स से जूझ रहे। बीमारी में कोई एग्जिट नहीं होता, यदि आप कोई तकलीफ है बीमारी है तो उसमें एग्जिट नहीं है, इसमें तो एग्जिट है। ये तो अपन ने बॉडी को ऐसी कंडीशन दी है कि वो डिटॉक्स करे, वो कंडीशन हम हटा देंगे तो वो डिटॉक्स बन जाए। और एक सवाल था मेरा, मतलब हम लोग स्ट्रीट एनिमल्स या पेट को ये पेडिग्री वगैरह देते, तो हम लोग बोलते हैं उनको कि ये चीज उनके लिए नहीं है, लेकिन वो पूछता है कि ये नहीं देने का तो फिर क्या देंगे, तो वैसे में हम लोग क्या जवाब दे सकते, क्योंकि बिल्ली रहती है, कुत्ता रहता है, या मतलब कौवे, कौवे को तो हम लोग पूरा पका हुआ खाना देते हैं, तो उनके लिए क्या, मतलब उनको फ्रूट दे सकते हैं, मतलब ऐसे लोग पूछते हैं। कुत्ते को फ्रूट वो बोलते, हम लोग रोटी देते हैं तो वो बोलते हैं रोटी नहीं, हम लोग बोलते हैं रोटी नहीं देने का, तो वो पूछते तो क्या दूं, वो भूख रहा है तो वो भूखा है, उसको क्या दे, ऐसा पूछते हैं। आपको बताऊं, हम किसी को अपना पालतू यदि हम बनाते हैं जानवर को, तो पहले तो वही एक गलत चीज है कि भाई हमने उसको गले में पट्टा बांध दिया या उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। हर जीव जो है इस धरती पे स्वतंत्र है, उसके बाद यदि हम उसको भोजन में, यदि हम नॉन वेज देते हैं तो जिसको मार के देंगे उसके साथ गलत होगा, और यदि हम उसको भोजन में वेज देते हैं तो उस कुत्ते के साथ गलत होगा, क्योंकि वो वेजिटेरियन नहीं है, तो इसलिए हम उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हम किसी को मार के उसको नहीं खिला सकते,
वो खुद मार के खा सकता है, वो उसका राइट है। आपका राइट आपकी बॉडी पे, आप किसी और को मार के नहीं खिला सकते, आप खुद को खिला सकते। जो आपकी बॉडी है आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, दूसरे की बॉडी को यूज नहीं कर सकते। उज्जैनी घोष। हाँ सर, आज मेरा आठवा दिन है, मैंने ज्वाइन किया था 8 दिन पहले ये ग्रुप। आप तो, कैमरा तो ऑन कर लो, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाते। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। हाँ आज मेरा आठवा दिन है सर। एक्चुअली मैं रहती हूँ फिनलैंड में, एकदम नॉर्थ, तो वहाँ पे फल उतने, मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट्स तो मिलते नहीं है और लोकली भी इनका उतना कुछ ग्रो नहीं होता अपार्ट फ्रॉम बेरीज, और वो भी 7 महीने इनका अंधेरा ही रहता है और ठंड रहता है, तो स्वीट फल मिलने में बहुत मतलब मुश्किल है यहाँ पे। फिर भी आते हैं, डेफिनेटली इंडियन स्टोर्स है, तो मैंने समर में यहाँ पे आम मैं लेके आई थी, काफी स्वीट था, पका हुआ था, तो आई स्टार्टेड माई फ्रूट डाइट नो मैटर वॉट, उस 8 दिन पहले से शुरू किया था। तो पहले मैं जो बेनिफिट्स मैंने मुझे मिला वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा हाइपोथायराइड था और शायद अभी भी है, मुझे नहीं पता क्या है उसका हाल, मैंने दवाई बंद कर दिया है उसी दिन से, लेकिन जो एक प्रॉब्लम मुझे बहुत सता रही थी वो था एक्नी का, एडल्ट एक्नी का प्रॉब्लम विदाउट एनी रीजन, वो आ जाता है फिर कम हो जाता था, बहुत ही ज्यादा हो गया था और वो स्प्रेड हो रहा था मेरे गले पे, यहाँ पे चेस्ट पे भी। लेकिन जिस दिन से मैंने ये फ्रूट डाइट स्टार्ट किया, स्वीट फ्रूट्स लेना स्टार्ट किया, एक भी स्क्रैचिंग नहीं हुआ मेरा, एक भी मतलब कोई भी स्क्रैचिंग, मैं हमेशा एक मतलब स्क्रैची रहता था, कुछ ना कुछ होता था, तो वो बंद हो गया। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मेरी नींद, मुझे पता ही नहीं चलता कब मैं सोती हूँ और जब उठती हूँ तो फुल ऑफ एनर्जी और बहुत लाइट एज फेदर महसूस होता है, जो कि और मतलब ये ट्रांजिशन बहुत ग्रेजुअल रहा है, मुझे पता भी नहीं चलता मैं काम कर रही हूँ, लेकिन थकान नहीं आती, ऐसा नहीं कि आई हैव टू मच एनर्जी, लेकिन मुझे थकान आ ही नहीं रही है, और सोने के टाइम पे नींद एकदम अपने आप आ जाती है, और व्हेन आई गो टू स्लीप आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड, नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ तो एकदम लाइट लगता है, पहले एक ड्रैग फील होता था, ओके आई हैव टू वेक अप, आज दिन शुरू करना, मोटिवेशन की जरूरत होती थी, अभी कुछ मोटिवेशन नहीं जरूरत होती है, मैं खुद उठ जाती हूँ अपना काम एंड आई फील वेरी लॉफ्टी, वेरी लाइट एंड मोटिवेटेड इनसाइड। और मेरे फैमिली के लिए मैं बनाती हूँ खाना, जो कि वो लोग अभी तो फ्रूट डाइट नहीं ले सकते, उनका तो खाना जैसे नॉर्मल है, लेकिन हाँ मैं फ्रूट ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ उनके डाइट में, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आई वॉन्ट टू ईट दैट। आफ्टर 8 डेज तो मुझे और भी उससे थोड़ा मतलब दूरी हो रही है, मतलब आई डोंट फील लाइक हैविंग कुक्ड फूड एनीमोर, दैट इज दैट। और मैंने थायराइड के मेडिसिन बंद कर दिए, उसके वजह से मैंने कुछ साइड इफेक्ट देखा नहीं है, तो आई डोंट नो, मुझे और भी कुछ दिन करने पड़ेंगे उसके बाद शायद मैं, तो कितने दिन बाद मैं टेस्ट करूं थायराइड का, वही मुझे पूछना था। 45 डेज के बाद चेक करूं। ओके दैट इज दैट। और लेकिन सिर्फ एक चीज, मेरा वो स्क्रैचिंग तो बंद हो गया है, नो स्क्रैचिंग, लेकिन मुझे फिर भी एक्नीज आ रही है, ये क्या डिटॉक्स होगा क्या? स्किन अपना सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है, तो एक्ने कोई तकलीफ की चीज नहीं है, एक्ने बनते क्यों हैं ये तकलीफ की चीज, मतलब टॉक्सिन्स जो अंदर हैं वो बाहर निकल जाएं तो अच्छे ही है बॉडी के लिए, अंदर होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो बने ना वो ज्यादा अच्छा है, तो वो बॉडी थोड़ी सी डिटॉक्स होगी तो वो आएंगे, फूड डाइट के दौरान भी आते हैं, फिर वो क्लियरेंस के लिए आते हैं, और जो अब हम कुक्ड मील के दौरान आते हैं तो वो तो ओवर फ्लो होता है हमारा टॉक्सिन्स, और यहाँ पे क्लियरेंस होता है, और दोनों एक्नेस में फर्क है। एग्जैक्टली मुझे वही लगा, क्योंकि मेरा जनरली जो हो रहा था इधर भी हो रहा था, लेकिन वो पूरा बंद हो गया, मतलब नॉट अ सिंगल न्यू इन्फ्लेमेशन।
वो ओवरफ्लो हो रहा था आपका टॉक्सिन्स का, अभी क्लियरेंस हो रहा है। और मेरा एपेटाइट भी नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे भूख लग रही है। आई एम हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, अच्छा मतलब, एंड जीरो कॉन्स्टिपेशन जो मुझे पहले नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि फाइबर कहाँ से आएगा इतना, लेकिन ब्यूटिफुल क्या बोलूं मैं, तब मॉर्निंग में पूरा पेट साफ हो रहा है विदाउट एनी टी कॉफी नथिंग, जो कि मुझे पहले चाहिए होता था टी या कॉफी, नथिंग, आई गो ऑन माय ओन एंड एकदम पेट साफ हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। स्लाइट बुखार मुझे, बुखार नहीं फीवरिश लग रहा था डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कुछ डिटॉक्स सिम्टम्स नहीं है, एक्सेप्ट कि ये दाने पे, मतलब ये एक्ने का ये लेटली आ रहा है पिछले दो दिन से। So I believe that is part of detox. आपको थोड़ा सा सर्दी गर्मी में भी चेंज दिखा, थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब जो सर्दी आपको कम लगती थी उसमें गर्मी ज्यादा लगती थी, सर्दी ज्यादा लगती थी उसमें कुछ रिलीफ दिखा क्या? मुझे सर्दी ज्यादा लगती थी बिकॉज ऑफ थायराइड शायद, और ट्रेमर्स होते थे, मतलब छोटी सी बातों में एंग्जाइटी बहुत होती थी, मतलब कुछ मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी बहुत, वो थोड़ा कम हो गया। माइंड हमेशा काम रहता है विदाउट एनी एफर्ट, ये मैंने देखा है, एफर्टलेसली काम रह रहा है। उसके साथ मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ तो उससे बहुत हेल्प होता है। लेकिन ये चेंज हुआ है मेरा कंट्री, आई केम फ्रॉम इंडिया लास्ट ईयर, तो ये चेंज ट्रांजिशन की वजह से मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि मतलब इट वाज अ बिग चेंज फॉर मी एंड फॉर माय सन आल्सो, ही इज ओनली 8, तो वो काफी, मतलब ये डाइट से आई डोंट नो, जैसे मैंने बोला ना कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है कि मुझे मोटिवेटेड होने के लिए कुछ रीड करूं कुछ करूं, ऐसा नहीं लग रहा है, नेचुरली एक कामनेस आ गया है बॉडी में, इक्विलिब्रियम आ गया है। I do everything, but I don't get anxious just like before. So, वो एक मतलब मेरे positives ही ज़्यादा हैं, और negative मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन side effects I think ये acne का ये आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, this is something I am sir I am dealing with for past I don't know, मेरे school में college में university में भी नहीं हुआ, it started late 20s and now I will be hitting 40 very soon. तो अभी भी ये है, तो आई थिंक इट इज हार्मोनली होगा, क्योंकि ये कम हो जाता है एकदम, मतलब आई गेट रिलीव्ड ऑफ दिस देन अगेन इट कम्स बैक, तो लेकिन ये लेटली इट वाज स्प्रेडिंग व्हिच हैज स्टॉप्ड, अभी भी नहीं है, स्प्रेड तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑन माय फेस आई एम गेटिंग इट, दैट्स यही है। और सर यहाँ पे वैरायटी कम है, लेकिन मुझे जो भी मिल रहा है केले, देन आई स्वीट बेरीज जो है, और एप्पल्स यहाँ पे मिलते हैं अभी भी, अब समर होके भी समर नहीं है, अभी भी बाहर बहुत, मतलब क्या बोलूँ, टेम्परेचर लो है, जुलाई में होता है, बहुत कम टाइम के लिए समर रहता है, लेकिन मैं इंडियन स्टोर से सोर्स करके खाती हूँ, पेरू भी मिला था, बहुत अच्छा मिला था, जितना हो सके मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, ये तो प्लम मिलता है, स्वीट प्लम मिलता है यहाँ पे, इंसान कहीं भी रहे फ्रूट मिलेगा तो वो स्वस्थ है। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू दिस, और कुछ नहीं बोलना था, आई विल वेट फॉर दिस। हाउ यू कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड? मुझे वो याद नहीं आ रहा है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कैसे आ गई इस ग्रुप में, लेकिन आई थिंक वो मुझे थोड़ा ट्रेस बैक करना होगा, टेलीग्राम में ही आई थिंक समबडी टोल्ड मी, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा मैं कैसे यहाँ पे आ गई, लेकिन आई वॉज लुकिंग फॉर मैं नेचुरल क्योर ढूंढ रही थी ऑफ माई थायराइड, बिकॉज मुझे, मैं आज तक मतलब अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसीज मैंने एक भी पिल नहीं लिया है कभी, I always believe in natural cure. ठंड सर्दी भी लगती है ना मुझे, मतलब कफ भी होता है, तो आई यूज नेचुरल क्योर्स, मैं कभी भी कुछ नहीं लेती, लेकिन मेरा ये थायराइड मुझे बहुत सता रहा था, मेरी मम्मी का थायराइड है, गॉलस्टोन है, और मेरी मतलब माई मटर्नल फैमिली हैज डायबिटिक्स एंड माई पटर्नल फैमिली हैज हार्ट इश्यूज, तो दो राज रोग दोनों साइड में है, तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू succumb to the hereditary thing as of now, touch wood kuch nahi hai, lekin thyroid ka bhi mujhe medicine lena nahi tha, I did not want to take that,
और एज अ बंगाली मैं वेगन थी पहले, बंगालीज वेगन ज्यादातर नहीं होते, लेकिन मुझे somehow I did not feel like having non-veg, so vegan thi abhi to ye fruit diet mein I'm reaping benefits in leaps and bounds. Fruit diet mein to 100% instantly dekhne ko milta hai. So I'll continue with this and I'll report you again after say 8-15 days. Bahut bahut dhanyawad. Thanks to you, sir. So aise kai log जुड़ जाते हैं जिनका टाइम आ जाता है जुड़ने का और कुछ करने का, मतलब उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है, ये उन्हीं का एफर्ट है, क्योंकि हमारे कहने से तो कोई फूड खाते ही नहीं। मैं यदि अपने घर पे बोलता हूँ कि फूड खा लो, रोटी बंद कर देता हूँ मैं, तो उनको सबको ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, मतलब इस घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं। तो फिर ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनको हम जानते नहीं और फिर अपना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो लगता है कि हाँ ठीक है, किसी को तो फायदा है, किसी को नहीं है तो किसी को। और आपके घर में जो इतने फल आते हैं सब आप ही खाते हैं? चंपा जी कुछ पूछ रही है, मुझसे पूछ रही है या उज्जैनी जी? हाँ, आपसे आपसे, जो आपके घर इतना फल आता है सब आप ही खा लेते हैं? नहीं, एक्चुअली वो केवल फल नहीं खाते, फल तो सब लोग खाते हैं घर पे, एक टाइम से ज्यादा कुक्ड मील तो बनता ही नहीं है, लंच बनता है, तो उसके अलावा डिनर ब्रेकफास्ट का तो कोई सिस्टम ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ भैया लंच भी बंद कर दो, तो वहां थोड़ा सा इशू पैदा हो जाता है, ये लंच बंद नहीं कर सकते, बाकी तो फ्रूट ही चलता है, एक दो रोटी के लिए वो सब जीवन का सुख नहीं लेता, फिर भी मेरे कहने से इतना कर लिया। हुई बात तो ये देखिए आप, जैसे ये इनको कहीं से कोई लिंक मिला, ये जुड़े, इनकी जिंदगी बदल गई। आदमी सब कुछ करने को तैयार है, वीगन बन चुका है, दूध छोड़ दिया, एनिमल फूड छोड़ दिया, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल पा रही जो उसको चाहिए, जो उसका जिस पे उसका हक है। तो वो हक लेने के लिए केवल आपको फ्रूट खाना है और अपनी बात को स्प्रेड करना है। जैसे ही आप स्प्रेड करोगे तो एक आध दो लोग और ऐसे मिल जाएंगे जिनका टाइम आ गया होगा जुड़ने का, वो जुड़ जाएंगे और वो खाना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपके कहने से इमीडिएटली कोई खाना शुरू ना करे, लेकिन उसका दोस्त खाना शुरू कर दे, उसका कोई दूसरा रिश्तेदार खाना शुरू कर दे, तो जरूरी नहीं है जिससे हम कहेंगे वो शुरू करेगा, लेकिन वो मैसेज स्प्रेड होना जरूरी है। क्या पता कौन वो मैसेज ढूंढ रहा हो और हमने किसी और को भेजा, उसके पास पहुंच गया, तो वो एक व्यक्ति का भला हो जाए। ठीक है, तो सुप्रीति जी आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा सेकंड डे है सर, मतलब फ्रूट फास्ट का नहीं, मतलब साइकिल का मेरा, तो आज मॉर्निंग से सर पेट में बहुत दर्द था सर, और मतलब चक्कर भी थोड़ा आ रहा था, मतलब जनरली मेरे को ये बचपन में होते थे थोड़े, एंड वी लास्ट एक साल से ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं था, मतलब कि इतना पेट में दर्द और उठ ही नहीं पा रही थी, और बार बार मतलब वो मोशन लग रहा था, दो तीन बार गई थी और सुबह कुछ खा नहीं पाई, मतलब आधा ग्लास डाब का पानी पिया था, नारियल पानी, तो पहली बार हुआ कि वो भी उल्टी हो गया, मतलब थोड़ा देर में। तो फिर वो आप वो पाम फ्रूट होता है, वो अपने तालसास बोलते हैं उसको, वो एक दो पीस खाया तो एकदम अरुचि होने लग गया, तो फिर उसको छोड़ दिया। फिर अभी अभी जाके 1 बजे के आसपास दो केला खाया, और अभी ये मीटिंग ज्वाइन करते करते मैंने अभी बस आम खाया, सुबह तक भी नहीं हो रहा था खाने का। यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो केवल पानी पियो, लेकिन अभी दोपहर को भूख लगा इसलिए फिर आम लिया सर।
भूख लगे तो खा सकते हैं। बॉडी को बहुत केयरफुली अपना को सुनना है, जज करना है, क्योंकि यदि हम उसको थोड़ा सा जज नहीं कर पाएंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। जैसे आपको भूख नहीं लगी, आपने खा लिया, आपको उल्टी हो गई, तो अननेसेसरी है। तो हमें यदि भूख नहीं लग रही है तो रुक जाओ, भूख लग रही है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और बोलना चाह रही थी कि जैसे जनरली मैं जब सात्विक आगे किया था सर, एक साल आगे, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा साइकिल डिले हुआ था, 15 दिन डिले हो गया था, और उस समय भी मैंने मेडिकेशंस नहीं लिया था, मतलब मेडिसिन बंद कर दिया था 8-9 महीने के लिए। फिर जब मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था तो भी मेरा साइकिल 15 दिन डिले आया। तो अभी जब मैं फूड डाइट स्टार्ट की थी तो मैंने ये सोच के रखी थी कि मेरा डिले हो जाएगा 15 दिन, और क्योंकि बॉडी कुछ चेंज किया तो शायद डिले हो सकता है, लेकिन कोइंसिडेंट सर एकदम भी डिले नहीं हुआ सर। तो मतलब मेरे को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि एकदम टाइमली हुआ, तो मतलब लगा कि ये कैसे हुआ। ये सब कमाल होते हैं यहाँ पे रोज। इसे सर ये शेयर कर। हाँ, यहाँ रोजाना कुछ ना कुछ कमाल होता है, लेकिन जिसको नहीं सुनना वो आंखें बंद कर लेता है कि ये सब बेकार। सर थोड़ा चेहरा पहले से थोड़ा लग रहा है कि मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था चेहरे पे, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि बेटर लग रहा है चेहरा आज। इसमें फोटो यदि खींच लेते तो आप मिलाते तो आपको समझ में आता। हाँ सर, फोटो खींचा हुआ है सर, उसको दोनों को मिलाना, आज के चेहरे से और पिछले चेहरे से। ठीक है सर, क्योंकि डेली बेसिस पे हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम फोटो यदि खींचते जाते हैं ना तो समझ में आता। मेरे 2 फोटोज पे 2,500 लोगों ने लाइक किया था और 300-400 कमेंट आए थे फेसबुक पे, उन लोगों के जिनको मैं जानते ही नहीं, एक को भी नहीं जानता। तो मतलब उनको दिखने लगा, मुझे तो वो फोटो भी मैंने वैसे ही डाल दिए थे, मैं इनकी डाल के देखते हूँ, लेकिन जो उनको उन्होंने एक एक मतलब हर आदमी ने अलग अलग कमेंट किया कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कुछ नेगेटिव लोग भी थे, वो कह रहे कुछ नहीं है, ट्रिक फोटोग्राफी है। लेकिन पॉजिटिव लोग ज्यादा थे। थैंक यू जी। हाँ ठीक है। और धारा संगलानी, यस सर, मैं पूछना चाहती थी क्या अंडरवेट वालों को फूड डाइट स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, तो फिर उनको दिक्कत नहीं आएगी जैसे मतलब चक्कर आना या फिर अंडरवेट की वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस लगना या ऐसा कुछ? देखो, कोई आदमी चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, दोनों ही आदमी बीमार है। स्वस्थ आदमी ना मोटा होता है ना पतला होता है। ओके। यदि कोई अंडरवेट है, उस पर टैग लगा हुआ अंडरवेट, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है ना? जैसे साइना नेहवाल है, उसको कोई अंडरवेट बोलता है क्या? नहीं बोलता। ओवरवेट भी नहीं बोलता, क्या बोलता है? फिट है। फिट तो फिट शब्द होना चाहिए आपके नाम के आगे कि फिट धारा संगलानी, है ना? संगलानी है संगतानी। संगतानी। ओके, संगतानी। तो फिट आना चाहिए नाम के आगे, अंडरवेट ओवरवेट नहीं आना चाहिए। तो ये जो भी है, चाहे कोई अंडरवेट है चाहे ओवरवेट है, वो दोनों ही लोग बीमार हैं, दोनों ही लोगों ने अपने जीवन में गलत खाने पीने का चुनाव किया है, इसलिए वो बीमार हैं। बीमारियों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वजह सब बीमारियों की एक होती है, वो होता है गलत
खान पान गलत भोजन। मतलब ये फ्रूट डाइट स्टार्ट करने से भी वेट गेन कल हमने कल वाले सेशन में वो लड़की की फोटो भी दिखाई थी जो अंडरवेट थी और फिर वो अंडरवेट से फिट हुई और अच्छा। वो मॉडल बन गई है इंस्टाग्राम पे, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो केवल अपनी पुरानी फोटो दिखाते कि मैं ऐसी थी अब ऐसी हूँ। आदमी कहता वाह चमत्कार हो गया, क्या करना है? वो कहते फ्रूट खाने, फ्रूट खाना। ओके, ओके। उसकी हमने स्टोरी दिखाई थी कल मीटिंग में। तो चाहे आप अंडर वेट हो चाहे ओवर वेट हो, लेकिन ये भी है कि आप अंडर वेट आज हो, मान लो आपने फ्रूट खाना शुरू किया, तीन दिन बाद आपने वजन नापा, तो तीन दिन बाद वजन बढ़ नहीं जाएगा आपका। उसकी पूरी प्रोसेस है, पहले वजन और कम होगा। पहले वजन क्यों कम होगा? कि जिस वजह से आप अंडर वेट हो, पहले वो वजह आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, तो पहले वजन और कम होगा। तो आप बोलोगे सर मैं तो अंडर वेट थी और 2 किलो कम हो गया, अब तो घर वाले कह रहे हैं कि जो है बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि पहले वजन कम होगा फिर बढ़ भी जाए। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, मेरे इन-लॉज ने मुझे बोला था तुम तो और पतली होती जा रही है, तुमने स्टार्ट किया है तो रहने दो, ये सब कुछ नहीं करना और भूखा भी बहुत आ रहा है तुम्हें, तो वापस से खाना पीना शुरू कर दो। तो मैंने वापस से मुझे मतलब डाइट, ये फूड का डाइट छुड़वा के और वापस से उसी चीज में खाने का धकेल दिया कि तुम खाओगी नहीं तो वजन नहीं बढ़ेगा, फिर हमारा नाम खराब होगा कि शादी करके आई हो तो फिर और कम हो गया तुम्हारा वजन। इसलिए हाँ, तो वो तो देखो हम जैसे किसी शराबी आदमी के पास बैठ जाए तो वो कहता है कि भाई एक पैक तो ले ही ले, है ना। तो जैसे लोग होते हैं वो अपनी अपनी बात को प्रमोट करते हैं। जब हम फ्रूट खाने की बात करते हैं, मैं फ्रूट खाता हूँ तो मैं आपसे कहवाऊँ कि फ्रूट खा लो भैया एक, वो आपके इन लॉस कुक्ड मील खाते हैं तो वो कहते हैं भैया एक रोटी तो खा ले। तो हर आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपने जैसे लोग चाहता है वो दुनिया में, तो इसलिए उनकी सोच में कोई गलती नहीं, जैसा वो करते हैं वैसा सोचते हैं वैसा आपको बताते हैं, है ना। और आपको जैसा करना है जैसा सोचना है वैसा आप दूसरे को बताओगे। और जिंदगी आपकी है, यदि आप अस्पताल जाओगे तो कोई रिश्तेदार आपके साथ अस्पताल नहीं जाएगा कि भैया इनको कुछ हो गया तो मैं भी भर्ती हो जाता हूँ, जो दवाई ये खाएंगी वो मैं भी खा लूंगा, ऐसा कोई रिश्तेदार हो तो बता देना। फिर तो कहता है कि अरे यार मैं तो बहुत कहता था, कुछ सुनती नहीं थी वो, अब लो पड़े हैं अस्पताल में इनके चक्कर में, हमें और अस्पताल के चक्कर लगाने। मुझे फ्रूट्स एक्चुअली में बहुत पसंद है, बचपन से मैं तो ऐसा चाहती थी कि फ्रूट्स ही हो पूरी दुनिया में, खाने पीने का कुछ हो ही ना तो चलेगा, क्योंकि मुझे फ्रूट्स इतने ज्यादा पसंद है। आप तो फ्रूट्स ही खाइए, आप पसंद है वही खाइए, आपका दिमाग नॉर्मल था बचपन से, लेकिन आप जो है लोगों के बहकावे में आके समझाइश में आके आप गलत ट्रैक पे चले गए। Right. कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस अब से अपना ट्रैक पकड़ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, हम लोग आपको वो करते रहेंगे, हम लोग आपसे कहते रहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। राजीव जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आवाज आवाज बंद है। मेरे को कल रात से ना प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम को ज्यादा लग रही, बढ़ रही, पता नहीं डिटॉक्स सिम्टम्स है या क्या, समझ नहीं आ रहा था। कौन सी प्रॉब्लम? जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी ना, यूरिन में जलन हो रही है और बार बार आना है, और जैसे लगता कहीं मैं जाता हूँ तो आ ही नहीं रहा, जैसे मतलब रात को चार बार उठा था मैं। विनोद जी को भी ऐसे ही चल रहा है, मतलब ये डिटॉक्स सिम्टम है, अभी होने में टाइम लगना है, जैसे पुराना वैसे चल रहा है, मतलब चलने दो आपको, निकल नहीं पा रहा, थोड़ा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दो। पानी तो खूब पी रहा हूँ मैं,
हाँ तो बस ठीक है, चलने दो, टाइम लगता है। प्रॉब्लम तो एक बार जो क्लियर होनी है वो थोड़ी सी एग्रावेट होके क्लियर हो। तो डर के पानी कम तो ना करो ना, मतलब कह रहा हूँ। नहीं नहीं, डरना क्या सर, उठना पड़ता तो उठ जाओ, रात को कोई दिक्कत नहीं है। उठ जाओ, उठना है तो उठ जाओ, ये पूछना था। धीरे धीरे हील हो जाएगा। अब उनकी प्रॉब्लम तो ठीक होगी ना पहले से। मतलब विनोद जी का भी कुछ बहुत पॉजिटिव मेरे को तो दिख नहीं रहा है, फिर भी विनोद जी खुद ही बताएंगे। बताइए विनोद जी, आज कम से कम वो बैठे तो है मीटिंग में, नहीं तो अभी तक तो वो गायब चल रहे हैं। मेरा 33rd डे है, 33वां दिन है। 28 डेज से बहुत ही स्मूथ रहा मेरा सब कुछ। डिटॉक्स सिम्टम जब स्टार्ट हुए मेरे 29 डे ऑनवर्ड्स, मतलब पिछले 4-5 दिन से, तो दैट इज द स्टेज ना जब आप ना गिव अप करने का सोचते हो कि यार ये तो है ना कुछ ज्यादा ही है। होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ऑल दैट, मेरे साथ भी हो रहा है। बट देयर इज वन थिंग ना, हां बस जो फेथ ऑन गौरव जी ओवरकम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फेथ तो 100%, फेथ तो 100%। अगर आपको फेथ है गौरव जी के ऊपर तो दैट पेन इज नथिंग, दैट ट्रॉमा इज नथिंग। फिर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई इनको क्या हो गया। बट ऑल द थिंग्स ना द ब्राइटर पार्ट, जैसे आपका बीपी इज नो मोर, आपका क्या कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत सारी चीजें शेयर भी नहीं की हैं, वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम खत्म, अचानक चक्कर आना शुरू हो जाते थे, वो नहीं रहा। एंड देन एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, देन शुगर, फास्टिंग, पीपी, आप जो भी नाम ले लो है वो सब। नाउ आई एम लेफ्ट ओनली विद वन दिस थिंग, दैट इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिटेन, यू शुड नेवर बी सर्जिकली रिमूव, because with that you are identifying what you are as a man. But I believe it actually. मेरा अपना thinking ये है, और सबसे difficult चीज है prostate को ना retain करना और उसी form में लेकर आना। And second thing जो सबसे बड़ी चीज जो आपको help करती है, जो घर वालों के अपने cases में जो ये है कि जब वो आपका देखते हैं temperament बिल्कुल change है, बिहेवियर में टोटल चेंज है, यू आर हैविंग वेरी प्लीजिंग डिस्पोजिशन, गुस्सा कोई देने की कोशिश करता है तो भी नहीं होता है। जब बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वो देखते हैं भैया इनका ही विनोद का ही पलड़ा भारी है, तो देखिए कि क्वाइट, इंस्टेड दे स्टार्ट फॉलोइंग यू। तो हाँ, बट इट इज अ बैटल विद इन, एज मैं कभी कभी शेयर करता रहता हूँ। और सबसे बड़ा बैटल फ्रंट रहता है आपका अपना घर का। Yesterday I was telling ना कि आपको रियल जो है जो महाभारत जो लड़ना पड़ता है अपने घर के घर से शुरू होता है वो। मेरे साथ तो है कि वाइफ और मैं दोनों कर रहे हैं फ्रूट डाइट में। हाँ वो बहुत अच्छा है, मेरी वाइफ ने भी सपोर्ट दिया, दो शी इज डाउन विद पैरालिसिस ऑलमोस्ट, उसका राइट हैंड साइड जो है टोटली पैरालाइज्ड है, बट शी गेव मी कंपनी just to encourage me for 21-22 days. Okay. So that was a big, हाँ, big moral booster. मुझे देख के वो encourage होती थी और उसको देख के मैं encourage होता था. So that battle slowly you won. ये ऐसा नहीं है कि instant result नहीं है. Instant result इसमें नहीं है. One has to be very very patient. और मैं तो फिर बार बार ये कहता हूँ कि मेरा जैसा आदमी 68 years of age, down with so many ailments, और वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है फॉर डिजीज फुल वाली लाइफ जो है, डिजीज फ्री वाली लाइफ, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं है रेस्पेक्ट ऑफ हिज एज। एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज ना कि आप अपना बचपन की तरफ लौटते हो, योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग अटैचमेंट टू म्यूजिक, बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, फिर आप जो जैसे आप रिलेट करना शुरू कर देते हो। मैं तो अब बाद में रिलेट कर रहा हूँ जो भी मैंने पढ़ा है ना टू माय लाइफ, आई फाउंड कि ये तो हमने तो सुपरफिशियली पढ़ा है जो कुछ पढ़ा है। एंड मैं तो कल भी ये बता रहा था या परसों भी बता रहा था, आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है इसलिए मैं हाँ तो मैं इसको फ्लैप को ही बंद कर लेता हूँ कभी कभी है, बट स्टिल आई एम फीलिंग मतलब हेल एंड हार्टी अदरवाइज। एंड एक
ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है मतलब लाइफ के प्रति जो है ना, एक आदमी जो निराश हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है एज इज जस्ट ए नंबर। 68 इयर्स ओल्ड कैन बी एज एक्टिव एज 6 इयर्स ओल्ड एंड 6 इयर्स ओल्ड कैन बी एज इल एज सिक एज 68 इयर्स ओल्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। या या तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी तो गौरव जी हैं, उनके मार्गदर्शन में बढ़िया लड़ाई चल रही है। अपने आप से तो नहीं, क्या अपने डिजीजेस से, और अभी तक तो 90% बैटल हैज बीन वन। ये प्रोस्टेट का भी है, बिकॉज डिटॉक्स सिम्टम्स जो भी है, फेस जो है वर्स्ट फेस। मैं तो बड़ा खुश था, मैं तो लाइफ लॉन्ग शो करूंगा, पर 29 डेज शो आते ही फिर एकदम ही वो हुआ कि यार ये तो बहुत है। पूरी रात सो नहीं पाता था, चारपाई पर सो नहीं पाता था, बिकॉज यूज टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल, चेयर पर सो जाता था। करीबन 8, 10, 11 रात है बिना सोए, एंड आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ माई सन। वो बोलते थे पापा आप 27 बार आज जगे हो रात में वॉशरूम जाने के लिए और जाने के लिए, सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब भाई है। तो वो भी पैनिक बटन तो सबके दबते हैं घर में, पापा को जाने क्या हो गया, वैसे ही बीमार थे और है। पर वो बाकी पॉजिटिव चीजें देखते हैं तो एक ना ट्रस्ट इज जस्ट लाइक ना रोलिंग स्टोन, वो धीरे 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 ना वो कर लेता। बट यू गॉट टू हैव फेथ, वी गॉट टू हैव फेथ, ब्लाइंड फेथ ऑन योर गुरु, अदरवाइज सब ऐसा ही है चला जाएगा। जबरदस्ती तो नहीं करते हो, क्विट करने की सोचते हो, क्विट करने की सोचते हो, आप गौरव जी के बारे में सोचो। इफ यू आर हैविंग फेथ ऑन हिम, दैट फेथ ऑन हिम, द ट्रस्ट ऑन हिम, यू ओवरकम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पीछे तो नहीं पड़ते कभी, नहीं हॉस्पिटल लेके जाना है आपको, बहुत ऐसा टाइम तो नहीं आया? नहीं, आप हॉस्पिटल तो खैर क्या है, आई हैव गॉट बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल द 5-star होटल्स और हॉस्पिटल्स। As being an ex-army officer, वो जो है जो आपको privilege government ने दिया है ना medical facility का 5-star hotel में, वो दिखता तो फायदा है लेकिन वो होता नुकसान है। नुकसान वेरी करेक्ट करेक्ट, और इस बार वो फैसिलिटी किसी को दे ही ना, बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ही tempted नरक है वो जी। आदमी को लगता है बहुत बहुत सुंदर जगह है और बड़ी फजीती होती है उसकी वहां जी, और लोग उसको वहां जाने के लिए एक आजकल मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं लोग जी, साल के 10-20 हजार भर हो तो 10-5 लाख का इलाज हम करा सकते हैं, लेकिन इस शरीर पे कोई भी इलाज हो नहीं सकता। शरीर के का इलाज शरीर के अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। करेक्ट, कोई भी चीज बाहर से इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, अंदर से ही सेल्फ हीलिंग है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, ये खुद से ही ठीक हो सकता जी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ है कि ये बाहर से ठीक हो सकता है, वो सारी समस्याओं की जड़ है। ठीक है, तो ये प्रिया भाटिया जी का क्वेश्चन आ रहा है। प्रिया जी पूछिए। गौरव जी, मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे इतनी गर्मी है, कभी कभी लगता है ऐसे ठंडा पानी पीने का मन होता है, तो क्या फ्रिज का पानी पी सकते हैं? नहीं पीना है, उसका रीजन ये है कि जैसे आपने ठंडा पानी पी लिया जी, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेट है। अच्छा, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए जी। तो यदि आपने ठंडी चीज खा भी ली है तो बॉडी को अपनी जो एनर्जी है वो उस पानी को गर्म करने में यूज करनी पड़ेगी। उस पानी को गर्म करने के लिए बॉडी को एनर्जी यूज करना पड़ेगी, तो अननेसेसरी हमारी शरीर की एनर्जी फालतू के काम में जाएगी। और फ्रूट भी जो हम फ्रिज में रख के खाते हैं, मतलब जैसे वाटरमेलन है, वो सब भी नहीं खाना चाहिए? फ्रूट में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा
फ्रिज का टेम्परेचर उतना ही रखो कि ज्यादा ठंडा ना हो। ओके। और फ्रूट को थोड़ा निकाल लो, पहले काटने के पहले ही निकाल लो, मतलब कटा हुआ नहीं रखो, निकाल के फिर काट लो। तरबूज को तरबूज को काट के रखते हैं, गलत है, तरबूज बहुत बड़ा होता है। अब आप दो लोग खाने वाले हो, एक तरबूज भी नहीं खा पा रहे। नहीं, 8-8 किलो का, 10 किलो का भी होता है बड़ा तरबूज। इतना बड़ा क्यों ला रहे हो? अच्छा निकलता है ना, जितना बड़ा लेता हूँ। निपटा दो विद इन अ डे, तो निपटा ही दो। हाँ नहीं, वो आधा तरबूज रख देते हैं, आधा काट लेते हैं, डब्बे में बंद करके रखते हैं। जितना ज्यादा कटा हुआ रहेगा ना, उतना उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो। अच्छा, कोशिश करें कि एक बार में खत्म हो जाए। हाँ और क्या। राखी जी, आपका क्या क्वेश्चन? हाँ सर, मेरी डॉटर का आज फिफ्थ डे है फूड फेस्ट का, तो ना सर उसको हेयर फॉल बहुत हो रहा है। हाँ तो नॉर्मल है, कोई उसमें इशू नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में जो भी डिटॉक्स होता है, तो उसमें चीजें बाहर निकलती हैं, और जब हम बीमार होते हैं या कोई चीज गलत होती है, तो चीजें, खराब चीजें अंदर जाती है। तो हेयर्स जो है बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हैं, तो बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट होता है वो लेके निकलते। यदि बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो वो टॉक्सिन्स लेके निकलते। तो जब यदि बॉडी टॉक्सिक है और हेयर्स भी टॉक्सिक हैं, तो वो एक बार ही हेयर फॉल होगा, लेकिन जो नए हेयर्स ग्रो होंगे वो पहले से बेटर ग्रो होंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। और सर, हस्बैंड का ये कहना था कि उनको ना, जैसे मैंने उनको कल बोला, उनको कल काफी वीकनेस हो रही थी इवनिंग में, तो मैंने उनको बोला पानी ज्यादा पियो, है ना, तो क्या हो रहा है? वो बोल रहे मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वॉमिट हो जाएगा। उतना ज्यादा पानी नहीं पीना कि वॉमिट होने की इच्छा होने लगे। वीकनेस हो रहा है तो आराम करो। राइट। हाँ, उन्होंने फिर क्या 2 घंटे लेटे रहे वो, then by evening he was 7:38 he was okay। तो rest करने का है, क्योंकि rest आप करेंगे तभी body heal हो पाएगी। rest करने का भी एक process है, मतलब यदि आप rest करते रहोगे तो body को अपना जो internal काम करना है वो आसानी से कर पाएगी। आप बाहर से काम करोगे तो internal काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम रोजाना हर आदमी जो है सोता है, क्योंकि जो दिन भर में जो उसका मैटर कॉम्प्लिकेट होता है, तो रात में वो बॉडी उसको हील करती है। कोई भी आदमी कितना भी फिट हो, यदि वो सोएगा नहीं तो वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। तो सोना और फिर जब फ्रूट डाइट कर रहे हैं तो और नींद अच्छी आना, या ज्यादा सोना या ज्यादा आराम करना, तो वो अपने शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सर मुझे वो एक्चुअली मैंने सबका देखा वो M1 M2 लिख रहे, मैंने स्टार्ट नहीं किया, आई शुड स्टार्ट नाउ इन द ग्रुप टू राइट? लिखो ना आप उसमें। ओके सर। वो लिखोगे तो आपको भी ध्यान रहेगा आपने क्या खाया। करेक्ट। उसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, यदि कोई तकलीफ आ रही है वो भी लिखो। उसमें ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं लिखनी, तकलीफ भी लिखो। तकलीफ आप लिखोगे तो वो कोई ना कोई पकड़ेगा कि भाई ये तकलीफ है, तो उसको इसका रीजन क्या है। करेक्ट। हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ये एक जर्नी है, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग जो भूल चुके हैं उसको याद करो। तो जब आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, दूसरे को भी वही चीज होगी, फिर 4 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे। तो आपको पता है कि ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था, तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा करने से वो ठीक हो। क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर होता है सबके साथ। अच्छा, और एक और चीज सर, कभी कभी वो ककड़ी मुझे कहते हैं कुकुम्बर जो है, मतलब सॉल्ट नहीं डालती हूँ, बट कुकुम्बर जो है ना, कभी बाय इवनिंग या नाइट को दो कुकुम्बर उनको कट करके देती हूँ। ही सेज कि मेरा बहुत टेस्ट एकदम मीठा मीठा मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो यू मे ओनली कुकुम्बर। तो हमें यहाँ पे टेस्ट नहीं बनाने हैं,
हमको हील होना है। यदि टेस्ट नहीं आ रहा ना फ्रूट का, मीठा ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, तो उस समय हमको नहीं खाना है। लेकिन जब खाना है तो फ्रूट खाना है। जब हम टेस्ट बनाते हैं तो भूख के अलावा, बॉडी की आवश्यकता के अलावा खाते हैं, और जब हम नेचुरल चीज खाते हैं तो हम उतना ही खा सकते हैं जितना बॉडी को उस समय आवश्यक है। तो यदि नहीं भा रहे मीठे फल है तो भी आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप मत खाओ, पानी पियो। जब आपको इच्छा हो कि तरबूज खाना है तभी खाओ। जब आपको, आपके दिमाग में सोचो कि मुझे क्या खाना है, तो आपके दिमाग में क्यूकम्बर आने ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में ये आना चाहिए मैं आम खा सकता हूँ क्या, आपके वो क्वेश्चन का आंसर मिले नो, नहीं खा सकता मैं आम। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, तरबूज खा सकता हूँ क्या, यदि वो भी आपको आंसर मिले नहीं नो, तो लीची भी पूछ लो, लीची का भी मना कर दे मन, तो फिर पानी पियो, राइट, कुछ खाना नहीं है आपको। करेक्ट करेक्ट। अब आप ये मत सोचो कि अब मैं टमाटर खा सकता हूँ क्या, लौकी खा सकता हूँ क्या, तोरई खा सकता हूँ क्या, ऑप्शन मत बढ़ाओ अपने। करेक्ट, हाँ सिंपल है, खाली फ्रूट ही खाना है, आप कुकुम्बर वगैरह नहीं खा सकते। क्योंकि अपनी साइकोलॉजी, हमें अपने मन से चलना है ना, मन हमें भटका देगा। आप ऑप्शन बढ़ाओगे तो वो कह देगा कुकुम्बर खा लो, हाँ। खाने लगोगे आप, भूख नहीं है तो भी खा जाओगे, तो अननेसेसरी चक्कर में पड़ोगे। अब ये मेरे साथ यही सेम प्रॉब्लम आई हुई है, वाइफ ना 20-25 ककड़ी उड़ गई, उग गई है पेड़ पे, वो पीछे पड़ी, मैं खाऊंगी खाऊंगी। अच्छा। इतनी सारी ककड़ी गमले में ना, वो करी फेंक, मैं क्या करूं इन ककड़ीज का, पालक लग गई और पता नहीं क्या, सारी सब्जियां उगा रखी है बाहर ना, पहले तो खा लेते थे सब, वो कहते हैं इतनी सारी ककड़ी किसको दूं मैं, 25-30 ककड़ी है मेरे पास। अरे अड़ोसी पड़ोसियों को दो, जिससे आपका व्यवहार बढ़े, पहले उनको ककड़ियां दो, फिर उनको धीरे धीरे फ्रूट डाइट पे ले आओ। पहले तो आप उनको ककड़ी दे के आओ, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि आपने ये ककड़ियां पैदा की, आप खुद क्यों नहीं खाते, तब आप उनको बताना कि देखो ऐसा है कि हम अब थोड़े से चेंज हो गए हैं और फ्रूट खाते हैं हम, तो इसलिए हम ककड़ियां बांट रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रूट खा के बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है किसी की समझ में आ जाए। एक मिनट, मैडम को बात करना है, बात करें। हेलो, हाँ जी, हाय, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, हाँ जी। तो आप ककड़ियाँ हुआ के खाने के चक्कर में हो रहे हैं? अरे इतनी सारी उतरी है आज, राजीव जी कह रहे हैं नहीं तू नहीं खाएगी, आप सोचो ना कैसी फीलिंग आएगी। भेज दो आप ग्वालियर, मैं बता देता हूँ एड्रेस। ठीक है, ककड़ी और पालक घर की उगी हुई, वो भी गमले के अंदर। मैं कह रहा हूँ अड़ोसी पड़ोसियों को दे आओ कि देखो हमने कितनी बढ़िया ककड़ी उगाई है, आप खा के देखिए। सही बात है, एक महीने दो महीने से मेहनत कर रहे हैं, तब जाके अभी फ्रूट्स आने स्टार्ट हुए। तुझे फोटो खींच के रख लो। हाँ फोटो तो खींच ली। फोटो खींच तो फोटो भी देखते रहना बाद में। हाँ जी हाँ जी, नहीं खाना मतलब ना फ्रूट खाना। अब देखो आप लोग बाहर विदेशों में बैठे जहाँ नहीं मिल रहे, वो भी फ्रूट मंगा के खा रहे हैं। अच्छा फ्रूट खाना। अच्छा मुझे लगा रॉ डाइट है, तो ये भी तो रॉ ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो आई वाज जस्ट हैविंग दिस इंप्रेशन। इसमें फर्क ये पड़ता है कि जो ककड़ी है वो मीठी नहीं है। हाँ मीठी तो नहीं, मीठी चीज में एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, और हमको हील होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि हीलिंग की तो एक फंक्शन है, फंक्शन कोई भी बॉडी को करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। ओके, केवल हमें पेट नहीं भरना है, एनर्जी के साथ हमें चलना। अच्छा, दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड। ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। इसलिए मीठे फल खाने, मीठे। अच्छा, जितने मीठे उतने मीठे। हाँ, आई हैड लीची और मैंगो आज लिया,
और खरबूजा भी लिया था। हाँ, तीन मील से हो चुके हैं। देखो आप जितने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलोगे ना तो उतनी जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट। अच्छा, और इधर उधर होने के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शन उठाने। हाँ, वो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है। अब वो हमें क्योंकि हमारे मन में शुरू से अब हमने ही उगाई है ककड़ी, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। कितना बड़ा धक्का है कि ककड़ी उग गई अब खाए ना। तो ये होता है, त्याग करना पड़ता है। Seriously, जी क्यों रहे समझ ठीक है, got it. I'll not eat it. थोड़ा भी ककड़ी नहीं खा सकते ऐसे? चख लो। हाँ सर, चख लो, चख टेस्ट करके देख लो ककड़ी को। अच्छा, टेस्ट करके थ्रो कर दे बात। टेस्ट करके देख लो, जैसे अपन कहते हैं ना, जो डायबिटिक आदमी होता है वो कहता है मैं बस टेस्ट करूंगा, मिठाई खाऊंगा ना, तो उसका एक पीस एक बाइट टेस्ट कर लो बस। सर ककड़ी का नुकसान क्या है सर? मतलब अगर सुप्रीति जी बोल रही हैं। हाँ सर, आप कैमरा तो ऑन कर लिया करो, पता ही लगता कौन बोल रहा है। सर ककड़ी खाने का नुकसान क्या है सर? हमें फायदा चाहिए ना, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन तो सर वो तो घर पे हुआ हुआ है सर। नहीं नहीं नहीं, घर वाली बात नहीं है, वो मीठा नहीं है, एनर्जी चाहिए हील होने के लिए। एनर्जी एनर्जी लेवल जो है ककड़ी में तरबूज से केले से आम से कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा सर, कम होगा। लेकिन सर कभी कभार तो खाई, अभी ये बीमार लोग हैं, इनको एनर्जी चाहिए, अभी चक्कर आएंगे थोड़े दिन बाद इनको, फिर जो है वो कहेंगे हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हमें इतना टाइम हो गया सर क्या करें, अब तो रोटी खा लेते हैं फिर या अभी ककड़ी खाएंगे, ककड़ी खाते खाते इनको रोटियां दिखने लगेंगी, और अभी ये ककड़ी नहीं खाएंगे तो इनको केवल ककड़ी दिखेगी, तो ककड़ी दिखने में कोई नुकसान नहीं है, रोटी दिखने लगेगी तो नुकसान ज्यादा होगा। इसको काम नहीं मिल रहा है, क्या करूं? ककड़ी देखते रहे और फल खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार ककड़ी भी टेस्ट कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, गॉट इट, डन। गौरव जी। हाँ जी, मैं नमिता बोल रही हूँ, कैसे हैं गौरव जी? आप कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, कैसे हैं गौरव जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गौरव जी, मैंने आपका ये स्टार्ट नहीं किया है का, पर आज पहला दिन है जो मैं सिर्फ फ्रूट्स खा रही हूँ, क्योंकि काफी सालों से फास्टिंग की नहीं है मैंने, बट ये सेकेंड वर्कशॉप मैं सुन रही हूँ आपका। फिलहाल मुझे मेनोपॉज के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मुझे पूछना था क्या उसमें भी ये यूजफुल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। एक दिन फास्टिंग से भी यूजफुल रहेगा, जैसे वो थर्सडे कर रहे हैं वो लोग एक दिन हफ्ते में? एक दिन से नहीं होगा, एक दिन तो इसलिए किया जाता है कि थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी बने। ओके, ये आप फूड खा सकते हो, लेकिन मान लो कि आपने 25 साल गलत खाया है तो एक दिन से ठीक नहीं हो जाएगा। जी, तो कम से कम कितने दिन गौरव जी? 15-21? कम से कम मेनोपॉज में आपको यदि फर्क देखना है तो 2 महीने तो आप खाओ। अच्छा, 60 डेज करना पड़ेगा? हाँ, तभी तो आपको जब पीरियड्स आएंगे नहीं आएंगे तो वो सब चीजें आपको दिखेंगी ना। नहीं, पीरियड तो बंद हो गया है मेरा। हाँ, तो वो हो सकता है चालू भी हो गया। अच्छा अच्छा, और वो एक साइकिल से, मतलब 2 साइकिल बीच में क्रॉस करोगे तब आपको समझ आए। अच्छा, और खाने पीने में जो रोज हम खाते हैं उसमें ऐसी कोई चीजें हैं जो नहीं खाएं या खाएं जिससे थोड़ा हेल्प होगा मेनोपॉज में, पेरी मेनोपॉज में? गेहूं सबसे ज्यादा नुकसान करता है लेडीज को। अच्छा, गेहूं और एनिमल प्रोडक्ट्स,
चाय मतलब नॉन वेज मतलब दूध वगैरह अच्छा और चाय ये चीज ज्यादा नुकसान करती है चाय कॉफी ये चीजें नहीं करना चाहिए ठीक है शुगर भी ना गौरव जी शुगर भी नुकसान करती है शुगर तो मतलब इतनी एडिक्टिव नहीं होती लोग नहीं खाते मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं खाते लेकिन गेहूं का नशा बहुत होता है गेहूं छोड़ना मुश्किल हो जाता है गेहूं में वैसे भी नहीं खाती हूँ गौरव जी मैं ज्वार मिलेट वगैरह खाती हूँ और नमक भी नुकसान करता है अच्छा तो नमक कम कर देना चाहिए देखो मैं आपको बताऊं कि आप 3 दिन फ्रूट डाइट लेके देखो अच्छा फिर अपन डिस्कस करते हैं क्योंकि जैसे आप एक ट्रैक पे आओ तो सही तभी आपको चीजें समझ में आएंगी अभी आपको कुछ नहीं पता ठीक है मान लो आपको मैंने ये बोला कि रोटी नुकसान गेहूं नुकसान कर रहा है तो आपने मिलेट खा लिए तो गेहूं नुकसान कर रहा है तो मिलेट अपना फूड नहीं है मिलेट भी फूड नहीं है चावल भी फूड नहीं है ये किन चीजों का फूड है ये पक्षियों का भोजन है अच्छा जो दाने होते हैं जैसे चिड़िया छुपती है दाना है ना जी तो हम वो दाना चुग नहीं सकते खा नहीं सकते यदि आपसे कहें कि भाई ये बाजरे का ये 10 दाने आप खा लो आप नहीं खा सकते ना जी हम लोग तो काफी क्वांटिटी ले लेते हैं फिर नहीं खा ही नहीं सकते आप एक दाना क्योंकि आप उस तरीके से नहीं खा आपको पीसना पड़ेगा रोटी बनानी पड़ेगी आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो हम किसी भी जीव का जो नॉर्मल फूड होता है वो उसको अनप्रोसेस्ड फॉर्म में खा सकता है उसको उसकी प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है तो आप गेहूं छोड़ के यदि मिलेट्स भी खा रहे हो तो वो अननेचुरल फूड ही है आपकी बॉडी को बिलोंग नहीं करता अच्छा क्योंकि आप उसको रॉ खा नहीं सकते यदि आपसे यदि कहें कि भैया चलो ठीक है आप आज एक कटोरी मिलेट्स खा लो तो आप खा सकते हो क्या बिना कुकिंग के बिना पीसे बिना उसमें कुछ नमक डाले खा सकते हो क्या तो आप क्यों नहीं खा सकते क्योंकि आपका दिमाग सही चल रहा है आपको भगवान ने प्रेम दिया हुआ है वो बताता है कि ये नहीं खा सकते जी लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग कर देते अपन उसको प्रोसेसिंग करके उसमें नमक डाल दिया शक्कर डाल दी खटाई डाल दी उसमें टेस्ट डाल दिया तो टेस्ट डालने से जो कि फूड हमारा नहीं था वो हम खाना शुरू कर दिया तो इस तरीके से फिर हम अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे नुकसान हो रहा है हम यही सोचते रहते हैं कि ये खाना ये नहीं खाना ये खाना नहीं खाना जब आप 3 दिन फ्रूट्स खाएंगे तो यू विल रियलाइज मैनी थिंग्स अच्छा कि मैं कहाँ गलत हूं तभी समझ में आएगा जब आप 3 दिन सही राह पे चल के देखोगे और चलोगे ही नहीं देखोगे ही नहीं जानोगे ही नहीं तो पता कैसे है अब यहाँ इतने सारे लोग हैं फ्रूट खा रहे हैं बहस इस बात पे हो रही है कि ककड़ी खाएं कि नहीं खाएं इस बात पे तो हो ही नहीं रही कि जो है रोटी की जगह मिलेट्स खा लें वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैंने कहा गौरव जी शायद मेरे सवाल थोड़े उठपटांग हैं बिकॉज़ आपका सवाल जेनाइन है और नॉर्मल है और बहुत लोग पूछते हैं लेकिन हम अपनी बात जो है जैसे मान लीजिए कि हमारा व्यू है हम किले के ऊपर बैठे हुए हैं हमें शहर अलग तरीके का दिख रहा है और आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं आप छत पे भी नहीं आना चाहते जी तो हम आपको एक्सप्लेन कैसे करें वो चीज कि हमें क्या दिख रहा है सही बात है तो आपको छत पे तो आना पड़ेगा ना तब तो हम आपको दिखाएंगे कि देखो ऊपर नीला आकाश है अभी तो हम आपको कहेंगे तो आप बोलो कि ऊपर छत है पंखा चल रहा है तो मैचिंग कैसे होगी
हम अपनी बात कह कैसे पाएंगे, उसके लिए आपको एक बार अपनी बॉडी को वो देना पड़ेगा जिसके लिए वो डिजाइन है, एक चांस देना पड़ेगा उसको, तब वो बॉडी आपको बताएगी कि हाँ ये यही है, यही चाहिए था हमें, इतने साल से मैं इसी के लिए परेशान थी। तो वो आप करके देखोगे, इतना सब कुछ आप करके देख चुके, जो आदमी गेहूं छोड़ के मिलेट्स खा रहा है तो वो ये बात तो पक्की है कि वो हेल्थ कॉन्शियस है जी, नहीं तो जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता वो तो गेहूं भी नहीं छोड़ता जी। तो जब आप हेल्थ कॉन्शियस हो ऑलरेडी तो फिर आप एक बॉडी को चांस दो 3 दिन का, देखो आपको कैसा फील होता है। ठीक है गौरव जी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ 2 दिन में, मैं जैसे लौटती हूँ मैं शुरू कर दूंगी, मैं आप आई विल कीप यू पोस्टेड। ठीक है, लेकिन गौरव जी ये जो आप प्रपोज करते हैं फ्रूट डाइट, ये लाइफस्टाइल चेंज है कि ये तब तक है जब तक हमारा डिटॉक्स हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और फिर हम नॉर्मल डाइट शुरू करते हैं, ऐसा होता है कि ये लाइफ लॉन्ग है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम एक आपको सीन दिखाते हैं, एक ऐसी जिंदगी दिखाते हैं जिसमें ना तो कोई गैस बनती है, ना कोई एसिडिटी बनती है, ना कोई दिमाग में आपको टेंशन होती है, ना कोई घबराहट होती है, ना कोई योगा की जरूरत पड़ती है, ना प्राणायाम की जरूरत पड़ती है, ना कोई हेल्दी फूड की अलग से जरूरत पड़ती है, ना कोई विटामिन की जरूरत पड़ती है, ना किचन में जाना पड़ता आपको, ना गैस जलानी पड़ती। अब ये आपने देख लिया कि आपको हमने आपको स्विट्जरलैंड दिखा दिया और आप मान लो कि कहीं दूसरी जगह रहते हो ऑलरेडी, हमने आपको कोई स्विट्जरलैंड रहने का वो नहीं दिया कि आप रह जाओ, हम तो आपको केवल दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको कहाँ रहना ये आपका डिसीजन है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो आपका डिसीजन है, केवल आप देखो तो सही उसको कि ये भी हो सकता है मेरी जिंदगी में, ऐसी भी हो सकती है जिंदगी। ठीक है गौरव जी, समझ गए, थैंक यू, थैंक यू। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आवाज ऑन कर लीजिए अपनी आवाज। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं सुबह से योगा वगैरह भी करता हूँ मगर मेरा पेट क्लियर नहीं होता मॉर्निंग में, इसके लिए मैं काफी ट्रीटमेंट भी ले चुका हूँ, ये सब गोल भूसी भी ले लिया पिछले 10 सालों से, और सुबह उठ के गर्म पानी पी रहा हूँ 2.5 से 3 गिलास, जितना संभव था सारी प्रक्रिया कर चुका हूँ, मॉर्निंग में मेरा पेट क्लियर नहीं होता और फिर 9 बजे 10 बजे 11 बजे कभी भी एकदम प्रेशर बन जाता है और तकलीफ हो जाती है, एकदम भागना पड़ता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? फल खाना शुरू करिए। अभी अभी मेरी मेरी जो दिनचर्या है, मैं सवेरे 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे करीब 3-4 गिलास पानी पीता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं एक थाली भर के पेट भर खाता हूँ, उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिर मतलब मैं 2 चपाती खाता हूँ और उसके बाद दोपहर में हल्का फुल्का कुछ लेके एक कप। 2 चपाती के बाद हल्का फुल्का दोपहर में और ले लेते हैं। आपकी आवाज चली गई। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोपहर में 2 चपाती आप खाने के बाद दोपहर में अलग खाते हो? तो फिर आपको डायबिटिक है तो थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है ना। अच्छा, 4-5 दोपहर में क्या लेते हो आप? तो फिर मैं या तो कभी अपना चने ले लिए, चने गुड़, कभी कोई मनीष टाइप की कोई चीज, स्नैक्स टाइप की मुझे। तो शाम को भी ले लेते हैं, शाम को चपाती, सब्जी चपाती। इससे ज्यादा टॉर्चर हो नहीं सकता बॉडी के लिए, जो आप जो आप जीवन जी रहे हो ना जी, इससे ज्यादा टॉर्चर इस एज में कोई कर नहीं सकता। हाँ मैं 66 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा वेट
मतलब इस एज में कोई पकोड़े तल तल के तो नहीं खाएगा, लेकिन जितना आप टॉर्चर कर रहे हो वो मैक्सिमम है, तब इससे ज्यादा टॉर्चर आप कर भी नहीं सकते। तो अब इसलिए फिर मैंने जो मॉर्निंग में जो पेट साफ होना चाहिए उस कारण मैं कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता। आप तो बॉडी को मशीन मान रहे हो ना, उसमें सुबह पानी जो पीते हो तीन ग्लास, उसमें साबुन भी डाल दिया करो। हाँ जी, जो सुबह तीन ग्लास पानी पीते हो ना, उसमें एक चम्मच सर्फ एक्सेल और घुमा दिया करो। काय का सर्फ एक्सेल, कपड़े धोने का साबुन आता है ना। हाँ, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, बड़बड़ा के साफ होके निकल जाएगा। कैसे आपकी मशीन है ना, मशीन में और फिर तेल डाल देना मशीन में, चिकनी हो जाएगी साबुन। आप बॉडी को एक जो है दो पैसे की मशीन समझ लो, जो करोड़ों अरबों खरबों की जो आपका भगवान का डिजाइन किया हुआ शरीर है, उसको आप सही से यूज नहीं कर रहे है ना। जो भोजन आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो। क्या करना चाहिए? फल खाइए तीन दिन केवल, सिर्फ फल। तो फल कई प्रकार के खा सकते हैं कि एक ही प्रकार का फल खाना है? एक प्रकार के फल खाना है, एक बार में एक तरीके का फल। अब जैसे सुबह मैं एप्पल भी लेता हूँ, पपैया भी लेता हूँ उसमें, और अभी ये जो खरबूज तरबूज आ रहा है ये भी ले लेता हूँ। सुबह आपको एक तरीके का फल खाना है, और एप्पल का सीजन नहीं है इस समय, एप्पल पिछले साल की आ रही है। एक आवाज कटती आ रही है, एप्पल का इस समय सीजन नहीं है, एप्पल सर्दियों में आती है सीजन। एप्पल नहीं खाना चाहिए अभी? नहीं, एप्पल नहीं खाना चाहिए, एप्पल नहीं खाना चाहिए। ना ना ना, केवल सुबह आप जैसे तरबूजा खाओ, दोपहर में खरबूजा खाओ, फिर शाम को आम खाओ, ऐसे तीन टाइम में तीन फल खाओ, उसके बाद भूख लगे तो कोई भी फल एक रिपीट कर लो। डायबिटीज में प्रॉब्लम तो नहीं देंगे? डायबिटीज लोगों की जो इंसुलिन चल रही थी 40-40 यूनिट, वो एक दिन में बंद हो गई फल खा के। आप भी अपनी टैबलेट बंद कर लेना और ग्लूकोमीटर साथ में लेके चलना, हमको बार बार रिपोर्ट देना की कितनी हो गई, बढ़ेगी नहीं आपकी। डायबिटीज आप मान लो आपकी ठीक हो गई, डायबिटीज आप मान लो ठीक हो गई, यदि फल खाने की आपकी इच्छा है तो। जी, मैंने एक बार में एक ही टाइप का फल खाना है? एक बार में एक टाइप का। अच्छा सर, एक चुप जी, हमारा पेट साफ होने वाली प्रॉब्लम भी साफ हो जाएगी? आप बताओगे तीन दिन बाद हमें, पानी मत पीना सुबह। सुबह जो आप पानी पीते हो ना, दो ग्लास तीन ग्लास, हाँ, वो भी मत पियो। गुनगुना करके पीता था? नहीं, उसको ऐसा मत मानो, आपकी बॉडी में ऐसा कुछ है कि जम जाता है तो तेजाब डाल, तो कल को आप तेजाब डाल दोगे, कुछ भी कर सकते हो आप, गर्म पानी क्या खोलता हुआ पानी डाल दो उसको, जैसे नाली चौक हो जाती है तो उसका अपन डाल देते ना कि भाई पानी डाल दो, एक काला भूत आता है वो डाल देते केमिकल, नाली भी खुल जाती है। वो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मशीन इतनी कमजोर नहीं है कि आपको ये सब डालने की जरूरत है। आपको जो नहीं डालना है वो डालना बंद करो पहले। क्या बंद करो? क्या क्या बंद? रोटी, रोटी खा रहे हो सुबह शाम, वो बंद कर दें बिल्कुल। चलिए ठीक है, फल खाने आपको केवल, ईसा बगोल की भूसी भूसी कुछ नहीं खानी, कोई दवाई नहीं खानी। मगर सर जब ऐसा मैंने सुना है, ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं इसका, जैसे वाटरमेलन है कुछ लोगों के लिए, तो नहीं देगा ना? आपने जो सुना है उसको भूल जाओ। हाँ, आप 68 साल से परेशान हो, 66 साल से जी, हम आपको तीन दिन में ठीक कर रहे हैं, वो भी फल खिला के जो आप वैसे भी खाते हो नाश्ते में, है ना। तो सुने सुनाए को भूल जाओ, अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है सर, एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी वाइफ को भी है, उनका अभी नी रिप्लेसमेंट करवाया है। अब वो रिप्लेसमेंट हो चुका है ना, उसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते।
नहीं तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि इनका जो मस्कुलर पेन अभी 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो मस्कुलर पेन नहीं जा रहा है, बाकी ज्वाइंट पेन जो प्रॉब्लम थी वो तो खत्म हो गई, ज्वाइंट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। आप अपनी बॉडी के पार्ट को निकाल के दूसरा पार्ट लगा दोगे तो तकलीफ तो होगी ना? नहीं तो एक पैर में दूसरा पैर में तकलीफ है, उसमें जो अभी डॉक्टर को बोलते हैं तो बोले ये मसल्स नहीं बन पा रही हैं आपकी इसलिए प्रॉब्लम है। उनसे बोलो कि भैया मसल्स भी चेंज कर दो तो है, दूसरी लगा दो, नहीं बदल दिया है टांग भी बदल दो वो बदल देगा। उनको भी 3 दिन फ्रूट खिला के देखो, दोनों जो है दोनों जने खाओ, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है 3 दिन बाद वो हमें आके 3 बजे आप बताओ मीटिंग जी। 3 दिन आप करना है डेली 3 दिन चल, हमें डेली आप डेली 3 बजे आते हैं इस लिंक पे, आप डेली अवेलेबल हैं लिंक पे आते हैं इसी लिंक पे, इस लिंक पे आप डेली अवेलेबल हो रहेंगे? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। मैंने तो आज पहली बार देखा है मैसेज हमारा, एक योग आरोग्यम हमारी एक ग्रुप है हम लोगों का, हम लोग सुबह 6:30 बजे से लेके योगा करते हैं तो उसमें किसी ने मैसेज डाला कि मैं आज लेंगे ग्रुप, मैंने डाला था ग्रुप, राजीव जी ने डाला था, राजीव जी से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ये आपके उस ग्रुप में ये भी होंगे। हाँ जी मैं योगा नहीं करता इनके साथ पर ग्रुप में मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। हाँ। आज पहली बार मैंने मैसेज देखा। आपने जो मैसेज देखा है ना उस मैसेज का मोबाइल नंबर नोट कर लो आप जी, और कोई भी समस्या हो तो उस मोबाइल पे कॉल करके आगे की जानकारी प्राप्त करें जी। यदि आपको लिंक नहीं मिले कि भाई अभी तो एक बार लिंक आ गया 3 दिन फ्रूट खा लिया आपको मिल ही नहीं रहे जी, मान लो हम मिलना बंद हो गए 3 दिन बाद आपको, फिर क्या करोगे जी? तो इसके लिए राजीव जी जो नंबर जिन्होंने डाला है मैसेज उनका नंबर आप एक कागज पे लिख लो या सेव कर लो जी जी, जी। राजीव फ्रूटेरियन के नाम से है? राजीव फल खाने वाले जी जी जी, ठीक है तो फिर आपको ध्यान रहेगा जी जी, कोई भी समस्या हो राजीव जी से डिस्कस कर लेना और फिर 3 बजे आप यहाँ आ जाना जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सब टेंशन फ्री हो जाओगे, वाइफ की समस्या भी कम हो जाएगी और आपकी समस्या भी कम हो जाएगी, आपको ऐसा पेट साफ होगा जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा बिल्कुल। अभी आप फेविकोल खा रहे हो जी, अपन जो है आपको ध्यान हो बचपन में पतंग उड़ाते थे तो पतंग फट जाती थी तो आटे की लेही बनाते थे चिपकाने के लिए, याद है जी, जी। आटे को उबाल के लेही बनती थी जी, वो आटे ही खा रहे हो ना आप, तो आप तो खा रहे हो फेविकोल, फिर उसमें डाल लो गर्म पानी, आपको यदि डॉक्टर कह दे कि ये ब्रश दे देता हूँ ब्रश भी घुसड़ दो तो आप तो ब्रश घुसड़ के जो है उसको साफ कर दोगे तो वो ऐसा नहीं होगा, गलत चीज गलत है, पहले आप सही डाइट पे आओ बाकी सब काम ऑटोमेटिक होंगे। फेविकॉल खाना बंद करो, गेहूं की रोटी बनती है ना तो उसको बेलते हैं अपन तो वो टूटती नहीं है जी सर, क्यों नहीं टूटती? जबकि मक्के बाद दूसरी रोटी टूटती है। हाँ गेहूं की क्यों नहीं टूटती? क्योंकि उसमें होता है फेविकॉल, अच्छा, जो आपकी जिंदगी को जोड़ के रखता है अंदर के सामान को अंदर रखता है बाहर निकलने नहीं देता, अच्छा। तो फेविकॉल खाना बंद करो, पेट अपने आप साफ होगा। अमृता जी आपका क्या सवाल है? जी सर नमस्कार सर, शायद मेरी भी ये सेकंड आपका सेशन था, मैंने ज्वाइन किया। कैमरा ऑन कर लीजिए सर, बहुत ज्यादा तो मैं भी ये सेकंड क्लास ही आपकी ज्वाइन की है तो इंस्पायर करके मैं केवल हाफ डे फास्टिंग कर पाई फ्रूट की,
मुझे भी वही था कि पैरों में इतना दर्द और वीकनेस लग रही थी, मतलब लगा कि चलो दाल खा लूं शायद, तो घर पे यही सब लोग मतलब बोलने लगते हैं ना कि केवल फ्रूट ये इससे करके और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, दाल चावल खाओ दाल खाओ। तो मे बी मैं मेरा ये था कि शायद जैसे विनोद जी और आप लोग इतना लंबा फॉलो कर रहे हैं, सो लास्ट 29-28 डेज यू गाइस आर फॉलोइंग सेम मील। मेरी पूछ रहा हूं क्या सर? आपसे भी और जो हमारे और भी दूसरे ग्रुप में है पार्टी, तो मेरे ख्याल से 60 डेज वाले भी। ओके 60 डेज फ्रूट कंप्लीटली फ्रूट। अब मुझे 2 साल होने वाले हैं और मेरा एक दोस्त है उसको 20 साल हो। मे बी सरप्राइज नहीं, शायद मुझे लगता है कि हम कभी कभी अपने देखते हैं जब शायद यही चीज है कि जब भगवान भी वनवास में रहे या जो भी हमारे एंसेस्टर थे जब नहीं था फ्रूट तो शायद वो टोटल इसी पे डिपेंड थे, फ्रूट पे ही थे। तो राम भगवान रावण को मार थोड़ी पाते यदि वो फ्रूट नहीं खाते, वन में नहीं जाते, यदि वो महल में रह के रोटियां खा रहे होते तो रावण मरते ही नहीं। मुझे यही मैं सोचती हूँ शायद हमारे जो दिमाग में थे। कोई राम भगवान खेती बाड़ी करके गेहूं उगा के और चक्की पे जाके पिसवा के आटा बनवा के गोटियां गैस सिलेंडर लेके थोड़ी गए थे ना, वो नॉन वेजिटेरियन थे, फ्रूट खाते थे वो, छपी के फल खाए थे, छपी के जूते फल। ये चीज तो हम समझ सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद जितने भी योगी या जितने भी हैं जो पहाड़ों पे रहे उन्होंने अपना पूरा जीवन शायद इस फल पे ही काटा, लेकिन बचपन से एक्चुअली हमारे दिमाग में जो भरा है ना 2 मील खाना 3 कोर्स मील, यही चीज हम फॉलो अपने बच्चों में भी करते हैं, क्योंकि आज बच्चों का भी मुझे ऐसा लगता है कि हम फोर्सफुली उनको कभी कभी मुझे लगता है शायद वी आर डूइंग रॉन्ग, वी डिड रॉन्ग इनफैक्ट, कि उनको फोर्सफुली बोलते हैं बेटा खाना खाओ खाना खाओ। बट सर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि अब मैं आई फॉलो थर्सडे, अभी जो ग्रुप में मैसेज आया कि थर्सडे आई टोटली डिपेंड ऑन फ्रूट, सो धीरे धीरे मैं 3 दिन पर आऊंगी, शायद कैपेसिटी और वैसे ही लोगों का देख के प्रोत्साहन बढ़ेगा। सर मैं बच्चों के लिए पूछ रही थी कि जैसे आज वेरी बहुत कॉन्शियस कि मेरे 2-3 बच्चों के स्पेक्स लगे हुए हैं इनफैक्ट, तो मुझे लगता है शायद उनकी पुअर डाइट है खाने, मतलब उनका फ्रूट एक तो टेलीविजन तो वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हुआ ही हुआ, साथ में खाने का भी इतना ज्यादा पुअर डाइट है ना कि कोई फ्रूट नहीं खाना चाहते, तो उनको कैसे हम चेंज करें? उनको फ्रूट आप खाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक चेंज होंगे, जब आप चेंज होंगे तब वो चेंज होंगे। अभी आप बच्चों ने पैदा होके नहीं बोला कि हमको रोटी खिलाओ, आप ही उनके पीछे पीछे घूमे कि रोटी खा लो रोटी खा लो, मैं तो ना मोबाइल दिखाती हूँ टीवी दिखाती हूँ, अब वो टीवी देखने लगे रोटी खाने लगे तो भी आपको तकलीफ। नहीं वही अब मुझे शायद फील होता है वी डिड रॉन्ग कि हम बच्चों को फोर्सफुली बोलते रहते हैं ना जबरदस्ती खिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं लैकनेस ना हो, शायद वी आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि बॉडी जो आपकी डिमांड करे आपको वही उसी हिसाब से करना चाहिए। बट एक बस ये चीज है कि शायद उनको फ्रूट की तरफ मोल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, बट लेट्स सी आए कोई ना कोई धीरे धीरे ऑप्शन आएगा। देखो हम यदि मोल्ड नहीं करते तो सफरिंग्स हमारा पीछा छोड़ती नहीं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो हम अपनी डाइट सुधार लें या अपनी जिंदगी तकलीफ में निकाल दें और ये सोचते रहें कि जिंदगी तकलीफ का ही नाम है, तो ये हमारी चॉइस है। बाकी आप ये आपकी चालू हो चुकी है फूड डाइट? आवाज आ रही है अमृता जी? बीच में क्रैक हो गई थी, अभी अब आ रही है। हाँ, फ्रूट डाइट आपने अभी एक दिन भी नहीं की है? मैंने एक दिन फॉलो की ऑलमोस्ट, फिर नाइट में जाके मैंने एक कटोरी दाल खा ली, बट थर्सडे आई फॉलो की मैं पूरा कंप्लीटली फ्रूट पे रहूं। वो दाल खा लिया ना तो आपने बॉडी को वो चांस जो उसको मिलता है रात भर हील करने का तो वो खो दिया। जैसे आपने दिन भर फ्रूट खाया तो दिन भर तो आपने एनर्जी इनटेक किया, अब वो जो आपने क्लीन एनर्जी ली है तो उसकी हीलिंग रात में होती है, वो सुबह अपने को पता लगता है कि कैसा फील कर रहा है। रात में आपने दाल खा लिया तो वो सब निकाल, तो वो एक दिन भी आप निकाल नहीं पाए, इसलिए पहले आप एक दिन निकालो और जब आप खुद से फील करोगे तब आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो वंजना बरजैया, क्या नाम है, बरजैया बरजात्या जी, जय जिनेन्द्र, मैं दुबई से रंजना बोल रही हूँ, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैंने थोड़ा अभी लेट से शुरू किया था, मुझे ये पता नहीं, ये 3 दिन का थोड़ा सा बताएंगे मुझे फ्रूट्स वाला प्लीज, खाली ब्रीफ में कि क्या है, क्या करना है इसमें। कुछ नहीं करना है, किचन में लगाना है ताला, फ्रूट लेके आने बाजार से और फ्रूट खाना शुरू करना है। बढ़िया बढ़िया, ओके। और मस्ती से टीवी देखना है, कोई काम नहीं करना। मैं तो खुद यही चाहती हूँ किचन का ताला लग जाए। नहीं तो 3 दिन का ही कोर्स है कि आगे कंटिन्यू करें? तो उनको बोला था हमने कि भैया 3 दिन करके देख लो। ओके, वो 68 इयर्स के हैं, तो अभी पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो छोटा सा टारगेट उनको दिया। नहीं तो ये आप तो थोड़ी बहादुर किस्म की लग रही हो मुझे। जी मैं कर सकती हूँ, मुझे है मेरा विल पावर। अभी मैं जैसे आज 15 दिन से मैंने जैन भी हूँ और रात को भी नहीं खाती, उपवास भी किए हुए 10 दिनों के, इसलिए मैं इसलिए जब जस्ट ऐसे अचानक जूम का खोला तो मुझे ऐसा लगा कि फूड्स का आप किसी को वहां से देखे कि आप 3 दिन तक का ट्राई करिए, तो मैं बोली मैं तो ये कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं बोली अगर पूछू तो सही, पूरा पूरी बात मैंने सुनी। वैसे तो थायराइड वायराइड सब है जो हम सब वैसा कुछ, प्रेशर भी मतलब बहुत कम वाला है, थायराइड है। कितनी एमसीजी चल रही है आपकी टैबलेट थायराइड की? अभी 75 ले रही हूं मैं। आप चाहो तो टैबलेट बंद करके 45 डेज के लिए आप कर सकते हो, टैबलेट आपकी बंद हो जाएगी। ओके, खाली फ्रूट्स पे? खाली फ्रूट्स नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स। हाँ नहीं वो, और ये खाली चाय कॉफी भी सकती कभी कभी? देखो टैबलेट बंद करनी हो, आपको यंग होना हो, स्लिम होना हो, ट्रिम होना हो, सुंदर देखना हो बिना मेकअप के, ऐसा कुछ आप चाहते हो अपने जीवन में? मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान ने सबको सुंदर बनाया, इसलिए मैं उस चीज की तरफ जाती नहीं जो है। भगवान ने जैसा बनाया वैसे आप नहीं दिख रहे, ये आपने बनाया भगवान ने। ये है कि अभी जो हाँ ये बात, चाय बनाई क्या? नहीं। भगवान ने चश्मा बनाया क्या? नहीं। ये आपने बनाया ना? जी 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 जी, आप अपना बनाया हुआ पी रहे हो। अभी भगवान ने फल बनाए हैं, जो आम बनाता है वो भगवान बनाता है। आप आम बना सकती हो क्या घर में? नहीं नहीं, तो जो भगवान ने बनाया है उसको फॉलो करो। जो ओके, मैं ट्राई करती हूँ, अभी 3 दिन का करके मैं आपसे, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बात भी करूंगी। 3 दिन का तो मैं यहाँ 3 बजे मिलूंगा, ये लिंक आपको मिलेगी जूम पे। ये डेली का, क्योंकि ये मेरे को यहाँ के कोई जो योगा ग्रुप है उसमें था, ये लिंक आया था, तो लिंक तो यही कर लो। और जूम जूम जो है वो, सॉरी जूम नहीं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें भी अपडेशन आते रहते हैं। ओके ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके आपका इंडिया टाइम 3 बजे ना, तो यहाँ पे 1:30 बजे। ठीक है, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डाल रहा हूँ। ओके, चैट बॉक्स में। जी जी जी, टेलीग्राम डाउनलोड करके उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो फिर उससे आपको काफी सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, आप जुड़े रहो। ठीक है, ओके, तो आप अभी डाल दीजिए तो मैं उसमें डाउनलोड लिख। मैंने डाल दिया। मैंने डाल दिया, पर मैं तो आपके ये मैंने डाल दिया, पर टेक्स्ट में डाल दिया ना, चैट बॉक्स में देखो आपको नहीं आया। अच्छा एक मिनट, हाँ मुझे कैसे मिलेगा? मिलेगा अभी अभी आ गया सबको। हाँ ये आ गया, इसको ले लो, इसको पहले टेलीग्राम डाउनलोड करो, फिर इस लिंक को यूज कर लो, या इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लो। फोटो लिंक इधर से नहीं होगा, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट। हाँ एक मिनट, ज्वाइन ग्रुप। हाँ ओके, कॉपी करके
आप अपने किसी रिश्तेदार को उस पर डाल दो तो वो आपके पास सेव हो जाए। जी ठीक है, मैं एक सेकंड। ठीक है, अभी जिनके क्वेश्चंस हो वही हाथ हैंड रेस करके रखें, बाकी डाउन कर लें। एक हैंड रेस है, नो नेम गैलेक्सी S9। नो नेम गैलेक्सी S9, क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए ये नहीं आ रहे हैं। दिव्या बताइए आप। गौरव जी, निधि, yes. मेरे ख्याल से मेरा नाम नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं आ रहा है, आपने मीटिंग ज्वाइन करते वक्त डाला नहीं क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, गौरव जी बस यही मेरे को था कि ये स्टार्ट तो करनी है डाइट, क्योंकि मेरी हेल्थ डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। मैंने 8-9 पहले यूट्रस का कराया था, तब से मेरे को चेस्ट के नीचे बहुत पेन होता है और सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अब डॉक्टर कहते हैं आप गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन करा लो। अब वो ये मेरे को समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करें ये वाली जो फ्रूट डाइट है, इससे आराम पड़ सकता है क्या इन चीजों में? फ्रूट खरीद के लाओ और खाना शुरू कर दो। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा ही है कि तीन बार ही खाना है या हम कितनी बार भी खा सकते हैं? 10 बार भी खा सकते हैं, 20 बार भी खा सकते हैं। अच्छा, और ये कई लोग बोलते हैं जैसे मैंगोज खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी और आपका वेट बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ जो फूड डाइट ज्वाइन किए हैं डायबिटिक लोग, उनकी पहले दिन से ही डायबिटिक जो है नहीं रहते, वो फ्रूट खाते हैं, उनकी टेबलेट बंद हो जाती है, उनकी शुगर नॉर्मल आती है। अच्छा, कोई बाद वाला चक्कर ही नहीं, सीधे। और इसमें जो गैस्ट्राइटिस वगैरह हो जाती है, इसमें आराम पड़ता है क्या गौरव जी? जो जो चीजें हील हो सकती हैं वो सब हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अब यदि आपने कोई बॉडी का ऑर्गन निकलवा दिया है तो वो तो वापस आएगा नहीं। हाँ नहीं, पर जैसे अभी वो कहते हैं गॉल ब्लैडर और निकलवाओ तो वो शायद मैनेजेबल हो जाए। हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा, लेकिन आप फ्रूट खाने के लिए तैयार कहाँ हो? नहीं नहीं, तैयार है ना, इसीलिए तो ग्रुप ज्वाइन किया। रोज सोचते हैं, पर ये भी आज करके देखा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे। से उन्होंने बताया था, कई बार ट्राई किया, रात तक कर ट्राई किया और फिर वो ही कुछ खा लिया रात को, तो वो फिर गड़बड़ हो गया सारी साइकिल। तो बस फ्रूट खाना शुरू करो और किचन में लगाओ ताला, ऑल ब्लैडर आपका ओके हो जाए। और गौरव जी, जैसे फ्रूट्स वगैरह सब कार्बाइड में पके रहते हैं तो ये सब फिर नुकसान नहीं करेंगे? ऐसे मैंगोज वगैरह अपन ज्यादा खाएंगे तो देखो, जहाँ हमारी इच्छा होती है ना, वो चीज हमें मिल जाती है। अच्छा, वहां पे हम थोड़ा सा यदि फ्रूट वाले को भी फोन कर देना कि हमें बिना कार्बाइड वाले मैंगो चाहिए, तो बिना कार्बाइड वाले भी पेड़ के पके भी आते हैं। ओके, क्योंकि कार्बाइड जो है पेड़ पे नहीं लगता, फ्रूट वेंडर लगाता है। हाँ हाँ, अपनी दुकान पे बैठ के लगाता है। यदि उसको हम उसका कार्बाइड वाले मैंगोस का टेस्ट भी अलग आएगा, नेचुरल का अलग आएगा, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई जो तेरे को लेना हो ले, हमें तो बढ़िया चीज दे। अच्छा, देगा वो। और तरबूज भी हम कितना भी चाहे खा सकते हैं आराम से, अच्छे से। बिल्कुल, कहते हैं ना स्मॉल बाउल ही खाना चाहिए, इसको खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी। वैसे मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। हाँ, कौन कहता है ये? पता नहीं, फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं तो जैसे मैंने अभी अपने घर पे पार्टी, तो मैंने तरबूज, तो कहते नहीं तरबूज का जूस नहीं पिलाना, ये बहुत शुगर होती है इसके अंदर, ये नहीं, मतलब लोग अच्छे से जो फ्रेंड्स आपसे कहते हैं ना, हाँ, उनको यहाँ मीटिंग में अभी लेके आओ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लीनिंग का काम करते हैं दिमाग की। ओके, तो जो गलत गलत जूस पी सकते हैं, जैसे आपको कभी आप फ्रूट खा रहे हो, कभी मैंने आपको कभी मौसमी का एक जैसे आपने हाफ ग्लास पी लिया या तरबूज का निकाल के, कि वो अलाउड नहीं है इसमें? जूस नेचुरल नहीं है ना। अच्छा, हम कोई भी काम अननेचुरल करेंगे तो उसके परिणाम भी गलत आएंगे। अच्छा, और नींबू पानी भी नहीं पी सकते, जैसे पानी में सिंपल नींबू डाल के पी लेते हैं जैसे मॉर्निंग में उठ के? हमको अपनी अपनी बेसिक फिजियोलॉजी और बेसिक इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलना। यदि आपको ये बोला जाए, आप जंगल में हो, कि आपको नींबू दिया जाता है या
वाटरमेलन दिया जाता है, दोनों में से एक चीज चुन लीजिए आप। वाटरमेलन। तो नींबू के चक्कर में क्यों पड़ गए? आपको अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलना है, नॉलेज के हिसाब से नहीं चलना। अच्छा, पर स्मूदी बना सकते हैं ऐसे बनाना वगैरह की जो होती है एलमंड डाल के? नहीं, वो भी अलाउड नहीं है फ्रूट डाइट में। एलमंड सीड है, फ्रूट नहीं है। अच्छा, हमको फ्रूट खाने हैं। प्रकृति ने मनुष्य के लिए फ्रूट बनाया है, सीड प्लांट के लिए है कि वो आगे ग्रो कर सके। और हम अच्छे से तभी चल सकते हैं जब उसमें सबका फायदा हो। प्लांट कभी नहीं चाहेगा कि मनुष्य उसका सीड खाए। मैं मतलब 3 दिन पहले स्टार्ट करती देखती हूं कि मुझे बहुत इसीलिए बनाता है प्लांट की जो है वो उसका ग्रोथ हो प्लांट की, तो वो इंटेंशनली मनुष्य के खाने के लिए फ्रूट बनाता है कि वो हमारा फ्रूट खाए और सीड इधर उधर फेंके तो हमारी ग्रोथ हो, तो इसलिए फ्रूट से हमको फायदा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं 3 दिन पहले करके देखती हूँ, है ना? बिल्कुल, चालू करो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, दिव्या जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे दुबई में रहती हूँ, मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए। इसके पहले जब मैं इंडिया में थी तब मुझे इस तरह के इंडाइजेशन, गैस इश्यूज और ये सब नहीं थे, और अभी कुछ इंडाइजेशन चलता है और सुबह सुबह एकदम से चाय पीने के बाद पूरा सिर भारी हो जाता है और फिर पूरा दिन मतलब ब्लोटिंग नहीं है, वो एक कुछ ऐसी वाइब्रेशन चलती है बॉडी में जिसकी वजह से बॉडी ऐसा लगता है हिलती जा रही है ऑटोमेटिक, और चक्कर, गैस, एसिडिटी जब मैं नमकीन खाती हूँ तभी हो रही है। लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आयुर्वेदिक ले रही हूँ 2 साल से, और उसके बाद में ब्लड रिपोर्ट्स एवरीथिंग नॉर्मल, कुछ भी नहीं आ रहा है ब्लड रिपोर्ट में, और कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं आ रही, लेकिन मैं अंदर से डिस्टर्ब और अपसेट रहती हूँ हमेशा, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। आपने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन वो करके नहीं देखा जिसके लिए आपकी बॉडी डिजाइन है, तो वो और करके देखिए। जिस भोजन के लिए हमारी बॉडी डिजाइन है, जो हमें अच्छा लगता है रॉ फॉर्म में, जैसे हमें अच्छा, तो हमें दाल चावल भी अच्छे लगते, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में नहीं लगते। नेचुरल फॉर्म में हम आम खा सकते हैं, यदि कोई दाल चावल पकड़ा दे कि भाई दाल खा लो, एक कटोरी चावल खा दो, अनबॉइल्ड अनकुक्ड, इसमें नमक और स्पाइसेस नहीं हो, तो आप नहीं खा सकते। तो वो भोजन और करके देखो जो आपके लिए नेचुरली डिजाइन, जिसके लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी। पर आम के लिए सर मैंने सुना है कि एक या दो मतलब गर्म करता है थोड़ा बॉडी में, और ये हीट की वजह से मुंह में छाले और ये सब भी बहुत हो जाते। सुना था मैंने भी, यहाँ पे 2000 लोग हैं ग्रुप में, सबने सुना था। नहीं सर, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ये खाती हूँ, अगर दो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब मैंगो शेक बनाती हूँ या काट की भी खाती हूँ। आपने एक्सपीरियंस आम का नहीं किया, आप रोटी के साथ आम खाया, चाय के साथ आम खाया, शाम को इवनिंग में गलत गलत चीजों के साथ खाते हुए आम खाया, वो अनुभव है ना? तो वो अनुभव इसलिए है क्योंकि आम जो है नेचुरल फूड है, और जो छाला होता है वो डिटॉक्स सिम्टम होता है। जब हम टॉक्सिन्स खा रहे हैं तो आम सोचता है कि इनके टॉक्सिन्स हाल बाहर निकाल दो, हम सोचते हैं कि ये छाला हो गया तो ये गलत है, छाला तो होने ही नहीं चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि छाला में से कोई चीज तो अंदर से बाहर आ रही है ना, बाहर से अंदर तो जा नहीं गई। तो जब अंदर से बॉडी कोई चीज बाहर निकाल रही है तो गलत कैसे हो सकती है? आपने बॉडी के इंटेलिजेंस को भी गलत मान लिया, आम को भी गलत मान लिया, और वो जो चीज आप सुबह से शाम तक रोटी और दाल और चावल और चाय पी रहे हो वो आपके लिए सही है, और फिर आप परेशान भी हो। आपने सारी दवाइयां लेके देख ली, आयुर्वेद लेके देख लिया, हाँ।
आयुर्वेदिक देख लिया, सारे ब्लड टेस्ट और सब कुछ सोनोग्राफी सब कुछ करवा लिया, अब ये भी कर देते कहीं पे कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा फायदा, क्योंकि फायदा तो बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है, जब हम वो देते हैं शरीर को जिसके लिए वो डिजाइन है। और सर वाटरमेलन तो मैं एक बाउल ऑलरेडी 12 बजे भर के फुल लेती हूँ, उसके बाद मैं ये खरबूजा भी लेती हूँ। और नहीं खाना, वो नहीं खाना, तब जो खाना है वो असर दिखाएगा। आम को पानी में भिगा के खा सकते हैं ना, थोड़ा टाइम पानी में भिगा के रखो तो फिर इतना गर्म नहीं करता है। आप ये बताओ कि ये बात किसी 500 साल पहले किसी आदमी के दिमाग में आई होगी कि आम को पानी में भिगो के खाओ, तो उस समय फ्रिज नहीं होते थे, आम गरम गरम पेड़ से, आम क्या होता है जनरली कि वो घर पे अपन रख लें रूम टेम्परेचर पे तो वो पकता है, पकने की प्रोसेस में वो गर्म हो जाता है, मतलब वो हीट पकड़ता है, तो उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है, तो फिर पकेगा नहीं फर्दर, तो वो एक तरीके से फ्रिजिंग वाली प्रोसेस हो गई जो अपन फ्रिज में डाल के कर देते हैं। जैसे कोई मान लो कच्चा आम है तो वो रखेगा के पकता रहेगा, लेकिन यदि अपन ने उसको एक बार फ्रिज में स्टोर कर दिया तो वो उसकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, पके हुए आम पानी में डालने के लिए बोल रहे हैं, वो कोई लॉजिक नहीं है ना उसका। अच्छा। हम तो जो है एनिमा भी लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं उससे, लेकिन किसी चीज से कोई फायदा नहीं है। हम तो पका हुआ आम बिना पानी में डाले खाओ। okay. और फिर कुछ गलत हो तो हमसे मिलो। हाँ जी, ये डाइट कैसे लेनी है, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक कैसे स्टार्ट करना है? आधे आधे घंटे से दिन भर में 10 बार 20 बार जितनी बार भूख लगे खाते रहो, एक महीने में आपका वजन 10 किलो कम हो जाएगा। हाँ, मुझे वजन भी कम करना है अपने आप। मतलब ये तीन फ्रूट्स ओनली, तरबूज खरबूज और आम, जो आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको तो ऑस्ट्रेलिया का एप्पल मिल जाएगा सीजन का, वहाँ विंटर चल रहा है, एप्पल तो बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो आप तो सीजन के फ्रूट जहाँ से इम्पोर्ट हो रहे हैं वहां से लेके खा। ग्रेप्स, अंगूर भी चलेंगे? अंगूर भी चल जाएंगे, इंडिया के तो आउट ऑफ सीजन है रखे हुए, कहीं और के सीजन। मतलब पांच फ्रूट्स रख सकते हैं? पांच दस फ्रूट रख सकते हो, कोई आपको कमी थोड़ी करनी खाने में, ज्यादा अच्छा। से ज्यादा वैरायटी और ज्यादा से ज्यादा खाना है, और उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ओके सर, केला और ये सब भी ले सकते हैं, केला अंगूर आप तो सब लो, बस जो लोग वो पोस्ट कर देना और कैसा लगा दिन भर में वो पोस्ट कर देना, और उसके साथ कुछ भी नहीं, दूसरी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, कोई भी बाहर का खाना नहीं, कुछ भी घर की कोई भी चीज। अरे फ्रूट जब हम कह रहे हैं कि 10 तरीके के खा लो, उसके बाद भी कुछ खाना आपको? नहीं मींस नहीं, जैसे चाय की थोड़ी सी एक हैबिट है, ऐसा लगता सिर दर्द ठीक हो जाता। सिर दर्द जो है ठीक नहीं होता, सिर दर्द बीमारी नहीं है, चाय हम छोड़ते हैं तो सिर दर्द होता है क्योंकि बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, तो वो टॉक्सिन्स ब्लड में फ्लो होते हैं, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो दिमाग में भी जाता है, तो उस समय आपको थोड़ी देर के लिए या दो चार दिन सिर दर्द होगा, लेकिन बॉडी उन टॉक्सिन्स को किडनी के थ्रू फिल्टर कर देगी ब्लड में से, तो क्लियर हो जाएगी, तो वो आपको दो चार पांच दिन का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और ये तीन दिन का प्रयोग करना है और उसके बाद में फिर वापिस बॉडी को मतलब बैलेंस हो जाती है, फिर वापिस छोड़ सकते हैं, फिर वापिस करना ऐसे? आप तीन दिन करो, उसके बाद फिर 3 बजे फिर आ जाना यहाँ पे इंडियन टाइम के हिसाब से। थैंक यू, डिस्कस कर लेंगे, रोटी खाने के पहले ही आ जाना। राइट, थैंक यू वेरी मच। निशा जी का कोई क्वेश्चन है? यस सर, वो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ही मैं आपका सेशन देख रही हूँ, तो मुझे मतलब कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और क्या टाइमिंग कुछ है फॉलो करने का उसका? कोई टाइमिंग नहीं है, अपनी भूख को फॉलो करना है, अपने दिमाग को फॉलो करना है, सीजन के फ्रूट खाने हैं, फ्रेश फ्रूट खाने हैं, रखे हुए नहीं खाने, कोल्ड स्टोरेज वाले, ताजे फल खाने, मीठे फल खाने, और कितनी भी बार खा सकते हैं एक बार में, लेकिन एक ही तरीके का, वन टाइप ऑफ फ्रूट एट अ टाइम।
तो अभी जैसे मैं थायराइड की गोली ले रही हूँ, तो जब वो स्टार्ट करे तो हम गोली छोड़ना चाहिए या लेके कर सकते हैं? ना एमसीजी चल रहा आपका? मेरा 50 चल रहा है। आप यदि 45 डेज करो गोली बंद करके और दोबारा फिर टीएसएच 45 डेज के बाद चेक करा लेंगे। तो आपका हील हो गया। प्रॉब्लम्स भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है ना, वो भी ठीक हो जाए। मतलब थायराइड तो ठीक हो गई होगा जो जैसे गोली ले रहे हैं अपन, लेकिन कुछ सिम्टम्स अपने को अभी भी आ रहे हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डिप्रेशन होता है। नहीं, मेरे को लगता है मेरा स्टेबल पे नहीं आ रहा, मतलब नींद नहीं आ रहा, भी करती हूं सब करती तो भी वो नहीं। नहीं, वेट 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 बढ़ा हुआ है कम? हाँ, मतलब ऐसे मुझे लगता है बढ़ रहा है तो। हाँ, तो वो कम हो जाएगा। टैबलेट आप खाते रहोगे तो भी बढ़ता रहेगा, लेकिन अभी आप फूड खाओगे, टैबलेट बंद भी कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बॉडी फ्रूट खा के हील होगी, टैबलेट खा के हील नहीं। थैंक यू सो मच। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल गई है। हाँ, मिल गई सर। वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने थायराइड अपना ठीक किया है। ये विनोद जी भी है ना, ये भी टैबलेट खा रहे थे थायराइड की, एक महीना हो गया उन्होंने कोई टैबलेट नहीं खाई था। ये दिख रहा है ना, ये हेडफोन लगाए हुए, उनका सुना था मैंने अभी। और अभी एक लेडी है फिनलैंड में थी, उन्होंने भी बंद कर दिया है थायराइड के, उनके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए। वो अभी एक घंटे पहले बता दी गई, उनको केवल 10 ही दिन हुए फूड। हाँ, मैं सुनी सर। और एक जो है लेडी यूएसए से भी है, उसने भी बताया, उसने पूरे अमेरिका में जो है इलाज करा लिया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसका हाथ भी ऊपर नहीं उठता था। और वो हमारे ग्रुप से जुड़ी, पता नहीं कहाँ से आई वो, और इतना फायदा है उसको भी बता नहीं सकते। यदि आप ग्रुप पे बने रहोगे तो किसी दिन उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में वो अपना डेली अपना वो लिखती है कि उन्होंने आज क्या खाया, तो आप उनसे बात करके तसल्ली कर सकते हो। तो बहुत सारे इस सीजन में क्या क्या फ्रूट्स ले सकते हैं? अभी तो तरबूजा खरबूजा आम तीन ही फल आ रहे हैं, तरबूजा खरबूजा भी अब जा ही रहा है, आम ही आम है। हाँ, भी आम बहुत ज्यादा अभी फलों का राजा अवेलेबल है। लीची भी मिल रही है अभी, लीची भी है। चलिए सर, कोई भी फ्रूट भिगो के नहीं खाना चाहिए क्या? लाइक तरबूज भी बोलते हैं थोड़ा आधा घंटा पानी में डाल दो फिर काटो। कोई कुछ भी बोलता है, वो तो कहते हैं तुम भी आधे घंटे पानी में बैठ जाओ फिर बाहर निकलना। सर, कोई भी फ्रूट नहीं डालना है पानी में? डालना क्यों है, अपन को ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। क्योंकि बोले गर्मास निकल जाती है, तो हम गरम खा के देखेंगे और ठीक होके बताएंगे तो दुनिया को बदलेंगे ना। और जैसे आम में भी अगर उसको स्क्वीज कर रहे तो जैसे घर का केरी थी, घर का केरी आम बना है तो उसको उसमें ना ऊपर से तेल निकलता है, तो बोलते तेल को हाथ में लगाना नहीं तो जल फोड़े फोड़े वोड़े हो जाते, बोलते मुंह को हाथ लगा। ऐसे जो है आप खूब तेल के कनस्टर ला के खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। नहीं, वैसे आपके घर पे तेल आता होगा ना? कौन सा तेल आता है? तेल मींस कुकिंग ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। उसको खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम के तेल को नहीं, फिर नहीं सोक करना ना, बस मैं इतना ही पूछी क्योंकि हर एक चीज आके सोक होती है पहले। मैं आपको बताऊं, कोई हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हम ये बताओ ये किसी ने आपको बताया ना कि आम को पानी में डालना है? हाँ, पक्की बात है। आप जंगल में होते और आम आपको दिखता पानी नहीं दिखता,
तो आप क्या करते, आम खाते या नहीं खाते? और भूख लगी हुई है तो क्या करते, सीधा आम ही खाते। पहले पहले आम को लेके जाते नदी तोड़ते, हाँ, तो पानी में आम डालते तो या तो आम चला जाता या खुद चले जाते पानी में। करेक्ट है, करेक्ट है। तो वही आपका जो है क्वेश्चन आंसर क्लोज हो जाता। थैंक यू सर। सर ये जो फ्रूट्स है वो हाफ हाफ की ग्रिप्स मतलब गैप में, ऐसे कौन से जो फ्रूट्स है जो एडिक्शन करते हैं, मतलब जैसे केला एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कोई भी फ्रूट किसी को क्या कहते हैं, एक साथ कोई भी फ्रूट नहीं खाना, एक बार में एक ही तरीके का खाना, और उसके आधे घंटे बाद ही दूसरा ले सकते हैं कोई भी, हाँ भूख लगने पे। ओके, भूख लगने पे जब भी लगे। ऑरेंज, ऑरेंज मतलब वो तो खट्टा फ्रूट है। इंडिया का ऑरेंज तो आउट ऑफ सीजन है, समय इंडिया में तो सीजन गया, यदि कहीं और का मिल रहा हो तो खा ले। पर वो उसके आगे पीछे कौन सा फ्रूट होना चाहिए? कोई कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोई नॉलेज आपको ठीक नहीं कर सकती है। जब आप बिल्कुल नॉलेज आप अपनी साइड में रख दोगे तब ठीक होगा। आप ये बताओ कि क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो कि आप आधे आधे घंटे से खाओ और कोई एक्सरसाइज नहीं करो तो एंड ऑफ द मंथ आपका 10 किलो वजन कम हो जाए? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ हो जाए। आप जितनी ताकत लगा के खाओ और कोई एक्सरसाइज मत करो और एक महीने बाद अपना वजन तोड़ ले। अच्छा अच्छा, तो एक महीने बाद हम आपको बताएंगे कैसे कम हुआ। ओके सर, और आधे आधे घंटे की गैप से फ्रूट्स को चेंज कर करके खाना, और फिर उसमें मींस मेरा कहने का मतलब कोई साइड इफेक्ट किसी भी फ्रूट का एक दूसरे से नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके, साइड इफेक्ट केवल दाल और रोटी को मिक्स करने से होता है। यदि अकेले गेहूं भी खा लो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना तब साइड इफेक्ट आता है, अभी तो हम रॉ फ्रूट खा रहे हैं। नो प्रोसेसिंग, नो सॉल्ट, नो स्पाइसेस। ओके सर, थैंक यू। खाली गौरव जी जो छिलके समेत फ्रूट खाते हैं उन्हीं को तो होना चाहिए आपके हिसाब से? फिर जो चेरी जैसे, चेरी तो पूरा खा जाते हैं ना, होने की मना नहीं कर रहा मैं, होने की मना, धोने की मना नहीं कर रहा, लेकिन जो एक अपनी सोच है कि पानी में डाल के 15 मिनट रखना पड़ेगा नहीं तो उसकी गर्मी अपने सही में चली जाएगी। नहीं नहीं, गर्मी के लिए ना तो मिट्टी मिट्टी है कुछ लगा उसके लिए, तो वो जो एक साइकोलॉजी है वो एक मिथ है। तो उस मिथ को अपन जब अपन ऐसा नहीं करेंगे और फिर खा के देखेंगे तब पता लगेगा क्या गया बॉडी में। तो मिट्टी मिट्टी लगी है तो उसके लिए डालते हैं हम खाली, तो इसलिए पूछ रहा था। खरबूजे में जो खूब मिट्टी लगी हुई जैसे तो उनको पानी में डाल दिया, गर्मी के लिए नहीं खाली। तो वैसे भी छील के खाना आपको, धो के खो लो उसको पानी से और खा लो। मिट्टी खाने की कोई एडवाइस नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। पुरानी आदत पड़ गई ना, वो नेचुरल लाइफस्टाइल में कहते थे 3 घंटे भिगो दो जो भी चीज लाते, सब्जी फ्रूट। अब तो कम कर दिया कुछ, तो भी है कोई मतलब पानी में। ठीक है, तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं है मेरे ख्याल से, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और टेक्स्ट मैसेज बहुत आ रहे हैं आज। विक्टोरिया, विक्टोरिया वांट्स टू लर्न समथिंग और ask us something in English, huh? Victoria, do you want to ask something? Gaurav ji. Hello. Yes. So, good morning. Okay. Good morning, Victoria. I heard about this program from my sister yesterday. You. So I switch on your camera also. I should switch on my camera. Okay. Okay. Your sister of Iana. Okay. So I have.
I heard about this program from my sister yesterday. She's in India, so I'm voice is not getting clear. Yeah. So because I have a problem of Boston, which I was told that, okay, let me change the position, probably. Yeah, okay. I have a problem of Boston. I am unable to get your voice clear. You switch off your camera so that I can listen to you, because I think your internet bandwidth is low, I think. Okay. Yeah. Okay, can you hear me now? Yeah, I can hear. Okay, thank you. I have a problem with Boston, and it always affects my liver function. A gallstone problem, and it always affects my liver function. So I was told that I need to remove the gallbladder. Okay. In order for you have gallstones, and doctor advised you to remove gallbladder. Okay. And you want to heal. To heal. And you want you do not want to remove bladder, you want to remove stones. Naturally. Yes. So you have you are on the I don't want to remove my Change your food, switch on to the fruit diet, and within 2 months your problem will go. Okay. Switch on 100% fruit diet. That's fine. And within 2 months, you will see that you won't have any problem in your gallbladder. Okay. Okay, sir. And join our Telegram group also, and post your daily meals there and what you are experienced having at the end of the day. And whatever problem you are facing, you can also post. Because 2 months journey, 2 months journey is not going to be very easy for you, because your body has accumulated so many toxins already. So when detox will happen, it will not be easy. So keep telling us what you are facing, and we will advise you whatever best we can advise for you. Okay, that's good. So does the fruit diet, does it have amount or any amount? There is no restriction of amount on fruits. You have to eat one type of fruit at a time, and you can eat as much as you can. But I can eat a variety at a different time. Yes. You can text your question in the chat box so that we can answer. Just text your question in the chat box. We are unable to listen to your questions. We will answer. So in a day, I can take different ones. Okay. Okay. Let me send it. Okay. Yeah. Okay then. I will do that now. Yeah. Thank you. Yeah, we are waiting for your question. Just text in the chat box.
नीला शिवी सावंत, आपका भी कोई क्वेश्चन है ना? पहले हाँ जी सर, मुझे ना ये पूछना था सर आपको कि मेनी अ टाइम्स यू नो लाइक आई फील वेरी गिडी एंड आई फील यू नो ऐसे कि जैसे कि मैं गिरने वाली हूँ, लाइक व्हेनेवर आई एम ऑन फ्रूट्स तो ऐसा बहुत फीलिंग होता है. तो आई जस्ट स्पोक टू माय डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको मिनरल और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इसलिए आपको ये सब फील होता है. तो मेरे को वही पूछना था, उन्होंने मुझे इस पे भी रखा है आयरन के टैबलेट्स पे और B12 पे, तो मुझे बस ये पूछना था कि आई डोंट वांट टू यू नो बी एडिक्टेड टू ऑल दीज मेडिसिंस, मुझे ना नेचुरली जो हील होना है वैसे होना है. तो देन इफ आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग तो ये डेफिशिएंसी तो नहीं होगा ना मुझे, लाइक B12 लाइक अभी है ना, लाइक एक वीक हुआ मुझे ना ऐसे बहुत गिड़ीनेस सा होता है, ऐसे लगता है कि मैं गिरने वाली हूँ. तो डॉक्टर ने बीच में फिर वर्टिगो की मेडिसिन मुझे दी, लेकिन वो एक साइड से मैं गिर जाऊंगी टाइप का मेरे को वो फीलिंग आ रहा है. फिर जैसे मैं खड़ी हो जाती हूँ तो थोड़ा सा ब्लैकआउट टाइप सा हो जाता है. तो इज इट कि मैं कम कंज्यूम कर रही हूँ फ्रूट्स इसलिए ये हो रहा है? आप तो फ्रूट खाते हो कितने दिन हो गए? 5-6 दिन हो गए, लाइक 5-6 डेज होंगे अब स्टार्ट. 5-6 दिन हो गए, हमको पता ही नहीं. अच्छा हाँ हाँ, मैं पोस्ट कर, एक्चुअली थोड़ा सा आई एम इन माय करेक्शन वर्क एंड ऑल, मेरे बोर्ड पेपर्स के करेक्शन चल रहे हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, आपको फोटो नहीं भेज सकती हूँ, बट आई डू दैट रेगुलरली. एक्चुअली क्या है कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, हाँ जी, ये बहुत जनरल और सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई भी जवाब दे रहे, यदि आप पूछते ना ग्रुप पे डालते तो. हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मुझे वो B12 और वो सब ना सर लेना नहीं है अभी, मतलब नहीं लेना, नहीं लेना ना आपको, क्यों लेना, नहीं लेना. हमने अभी वरुण दुबे की रिपोर्ट डाली थी जिसमें उसका फूड डाइट खाने के बाद B12 बढ़ गया था. हाँ जी, हाँ सप्लीमेंटेशन से बढ़ता नहीं था. हाँ जी हाँ जी, मेरा खुद जो है बढ़ गया था B12 फूड डाइट खा के, मैंने एक साल के गैप से चेक कराया था. तो कुछ भी नहीं करना आपने, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना. हाँ जी हाँ जी, लाइक मैं ना छोड़ रही हूँ, बट आई होप, मुझे ना डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ चक्कर आके, लाइक यू नो चलते चलते या स्कूल में कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ ना सर, तो वो एक डर सा रहता है कि कहीं बच्चों के सामने ना गिर पड़ूं. नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा वीक हो. हाँ जी हाँ जी, उस दिन आपको थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा करना. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. हाँ जी हाँ जी, उस दिन आप छुट्टी भी ले सकते हो. जी जी, और आपको जैसे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्रूट कम खाने. हाँ जी हाँ जी, ठीक है. तो एनर्जी हमें कम नहीं मिलेगी यदि हम कम नहीं खाएंगे. अच्छा, अब एनर्जी हाँ, आपको भरपूर मिल रही है, उसके बाद भी यदि आपको चक्कर आ रहे हैं या वीकनेस हो रही है. हाँ जी, तो इट मींस कि बॉडी वांट्स टू हील समथिंग इनसाइड योर बॉडी. हाँ जी, द बैलेंस एनर्जी अवेलेबल फॉर आउटसाइड वर्क इज लो. ओके 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 ओके, सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे. हाँ जी हाँ जी, सो टेकिंग रेस्ट एंड लेटिंग द बॉडी हील. हाँ, और भूख के हिसाब से, यदि भूख अपने को लग रही है तो अपने को जितना ज्यादा से ज्यादा खा सकते खाना, भूख नहीं लग रही है तो नहीं खाना. हाँ जी, हमें बॉडी को सुनना है, यदि वो रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट देना है,
भोजन मांग रही है तो भोजन देना है, फ्रूट्स देना है, लेकिन और कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। सारे चीजें आयरन वगैरह सब अपने आप ऑटोमेटिक शूटअप हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। आयरन की टेबलेट से कभी किसी का भला नहीं है। हाँ वो तो है, तो आपका भी नहीं होगा, लेकिन आयरन लेवल जो है आपका फ्रूट डाइट से बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, सर आप रेगुलर 3 बजे के टाइम पर रोज बैच है या आज ही है सर? अरे आज 32 बजे ना, डेली ले रहा हूँ मैं 3 से 5। अच्छा अच्छा, तो ये तो मैंने जूम मीटिंग से ज्वाइन किया है, तो फिर जूम मीटिंग से नहीं चलेगा ये वाला? टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन कर ही लो। ओके, वो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन कर सकते। उसका इन्विटेशन लिंक तो आपको मिल गया ना? यस सर। सर वो जो 20 साल से कर रहे हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप में है? वो फेसबुक ग्रुप में अपने। अच्छा, फेसबुक ग्रुप भी अपना पैरेलल में। क्या नाम है उनका? सेबेस्टियन बॉम। ओके, वो फेसबुक ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो पर्सनली वो आंसर देंगे। ओके, ऐसा भी वो करते हैं, मतलब आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। सर तो ये और भी आगे से ये, this is you invented or somebody else invented? Actually invention नहीं है कोई, हमारी बॉडी फ्रूट खाने के लिए डिजाइन है और हमारे पूर्वज फ्रूट ही खाते थे, फ्रूटे ही नहीं थे। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो इतने साल 20 लाख सालों से पृथ्वी पे हैं, कोई 2-5 हजार साल से नहीं, 25 हजार साल के पहले हमको आग जलानी भी नहीं आती। जब आपको आग जलानी नहीं आती होगी तो आप क्या क्या खा सकते हो आज बताओ? आप बताइए, अगर आग ही नहीं जलानी आती तो फ्रूट्स ही, और क्या खा सकते हो? खाने में तो फ्रूट्स या जो भी। आग जलानी नहीं आती, मान लो अपन 25 हजार साल पीछे से। जो भी पेड़ पे उगता है वो लाइक नेचुरली उगता है, जैसे अगर जैसे गेहूं नहीं। हाँ गेहूं, अगर पता नहीं पहले उगता था। आग जलानी नहीं आती है, अब आप क्या खा सकते हो? गेहूं तो खा नहीं सकते रॉ, बट वही ककड़ी टमाटर गाज बीटरूट अगर वो उगते होंगे तो। फॉरेस्ट में तो पेड़ ही। ठीक है ना, तो ये अब ये वाली जो नॉलेज है, आग जलानी नहीं आती थी तो ये नॉलेज है क्या? ये नहीं। आज आपको आग जलानी आती है? चलो हाँ। 50 साल पहले नहीं आती थी, आज आती है। आज आपको माचिस और लाइटर आपका वापस रख लेते हैं, अभी आपको गैस वैस सब आपकी जमा कर लेते, अब आपको बोलते हैं कि ठीक है आप बनाओ खाना। कैसे बनाओ? नहीं बना सकेंगे। उसका मतलब ये है कि ये नॉलेज आपको है ही नहीं ईश्वर की तरफ से। हाँ। तो हमें तो हम कुछ नॉलेज थोड़ी दे रहे हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि भैया ये नॉलेज नहीं है, आप कैसे यूज कर रहे हो? आपको तो आग जलानी आती नहीं है, आप क्यों आग जला रहे हो? करेक्ट। ये कोई नॉलेज नहीं है, ये हम अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत लोग दुनिया में फ्रूट्स खाते हैं, तो इसमें कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। इसमें बात यह है कि जितना भी ज्ञान बढ़ रहा है ना, उसका कोई उपयोग नहीं है। हम खुद से ठीक हो जाते हैं जो डाइट हमारे लिए डिजाइन है वो खाने से। हाँ, मैं ग्रुप में देखी कि बहुत आउटसाइडर्स मीन्स आउट ऑफ कंट्री के हैं, तो मेरे को वो क्वेश्चन आया कि
ये डिस्कवर्ड बाय सिर्फ जैसे आपका है कि कई इन्हें कोई और भी फॉलो करते आ रहे हैं मैंने आउट ऑफ द कंट्री। फेसबुक ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ हाँ मैंने ज्वाइन किया मैंने कल। तो बहुत सारे लोग फ्रूट डाइट जो है ले रहे हैं दुनिया में और वो चाहते हैं कि आप लोग भी फ्रूट्स खाएं क्योंकि वो ये सब तकलीफों से निकल चुके हैं डॉक्टरों के चक्कर लगाने से हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने से और तकलीफ भरा जीवन जीने से वो निकल चुके हैं। तो जो भी निकल जाता है वो चाहता है कि भाई आप भी निकलो। उनका कोई लालच नहीं है कोई हमारे ग्रुप पे एक चवन्नी नहीं मांगता तो और सब लोग ठीक होके जाते हैं। तो ये एक तरीके का ये है कि सोशल मूवमेंट भी बोल सकते हो आप। बाकी इसका कोई वो नहीं है मतलब ये कोई ये नहीं है कि भाई डॉक्टर चला रहे हैं ऐसा कुछ भी। नहीं मैं फेसबुक ग्रुप पे कल आपने वो पतले होने का बताया तो मैं जाके देखी पड़ी तो मेरे को वो दिखे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री नॉट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में तो क्या है कि इंडिया वाले तो कुछ सोचते ही नहीं है ना बेचारे। इंडिया में तो पूरी नॉलेज बाहर से ही आती है खुद की नॉलेज तो वो यूज ही नहीं करते। अपने यहाँ जैसे अपन टीवी चलाते पंखा चलाते बल्ब जलाते सब बाहर से ही तो आता है। हमारे पास कोई नॉलेज खुद की तो है ही नहीं। ठीक है हमें फ्रूट भी खाने हैं तो आप बाहर वालों से ही पता लगता है कि भैया अच्छा फ्रूट खाने क्या। ठीक है अपना ये देखो अपन जैसे योगा सिखाते हैं योगा अपन बोलते हैं इंडियन चीज है तो अभी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते पूरे वर्ल्ड में तो वो जो योगा वो लोग जानते हैं ना तो वो लोग योगा में अपने से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके इंडिया में तो अपन भूल चुके उसको। इसके लिए वो जानते हैं इसके लिए वो इंटरनेशनल योगा डे है कोई इंडिया की वैल्यू नहीं बढ़ गई थी उसके लिए इंडिया को मानने के लिए इंटरनेशनल योगा डे बना। करेक्ट करेक्ट तो वो चीजों को मतलब ऐसे नहीं मानते जैसे अपने यहाँ तो बच्चा पढ़ता है तो वो 25 साल वो इंग्लिश ही पढ़ता रहता है उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ू या वो ऐसी पढ़ाई होती है जिसका कोई यूज ही नहीं होता। जैसे आप मान लो कोई आदमी बीकॉम बीए बीए किया अब उसको कोई जॉब नहीं मिले तो वो कुछ कर ही नहीं सकता उसको कुछ आता ही नहीं केवल पास होने के लिए पढ़ता है। करेक्ट है तो वो यहाँ तो कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। तो ठीक है अभी किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है आई होप तो इस सेशन को अपन आज समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Gaurav.